Disclaimer, this film is a work of fiction, although inspired from real-life incidents. Names, characters, places, events and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual person, living or dead, or actual events is purely coincidental. Smoking causes cancer. Smoking kills. Consumption of alcohol is injurious to health. Nandu, hospital ke samne khade hoke fufu kar raha hai? Bibi bimar hai, andar hai. Kya hua bhabhi ko? Wahi auraton wali bimari. खर्चा इतना सिगरेट कितने की? गदर की रिलीज के बाद 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। इस समय सर्कल पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद सड़क पर उतर आए हैं। पुष्पा द राइज जब थिएटर्स में रिलीज हुई तभी हमें पुष्पा द रूल के आने की खबर मिली। अब जैसे ही पुष्पा का लास्ट सीन दिखाया गया उसके बाद पुष्पा 2 के बारे में बताया जाने वाला था, पर मेकर्स थोड़े से ना कंफ्यूजन में थे कि अब क्या करें और क्या नहीं। तो उन्होंने लास्ट में दी एंड ऐसा मेंशन करने की बजाय सेकंड इंटरवल ऐसा मेंशन कर दिया। फिर उसमें से सेकंड यानी 2 नंबर वैसे ही रहा और बाकी के शब्द गायब हो गए और उसी 2 नंबर के साथ पुष्पा का टाइटल जोड़ दिया गया और इसी तरह से एक इनोवेटिव स्ट्रैटेजी बनाकर पुष्पा 2 के आने की खबर दी गई जो ऑडियंस को बहुत ही पसंद भी आई। वैसे अभी ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पुष्पा जेल से भाग चुका है और अब वो तिरुपति के जंगल में घूम रहा है अपने दुश्मनों का इंतजार कर रहा है, तो अब वो गंगम्मा जात्रा जो तिरुपति में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है वो उसी फेस्टिवल में दिखाई देगा जिसमें वो देवी अवतार में दिखाया जाएगा और इसी फेस्टिवल में पुष्पा अपने दुश्मनों का खात्मा करेगा क्योंकि ये मूवी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन होने वाला है। इसी की वजह से मूवी का हाइप बढ़ चुका है क्योंकि स्मगलिंग के इर्द गिर्द घूमने वाला प्लॉट डिवोशनल टच से भी सजा है। ये बात ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। वैसे इसी की वजह से पुष्पा 2 की अब बहुत चर्चा हो रही है, तो ऐसे में रोहित शेट्टी और अजय देवगन की अपकमिंग मूवी सिंघम अगेन क्या करेगी। वैसे तो हमने दोनों फिल्मों के लक्षण सही नहीं देखे हैं क्योंकि कोई पीछे नहीं हट रहा, दोनों को एक साथ 15 अगस्त को मुकाबला करना ही है। अब देखा जाए तो अल्लू अर्जुन और अजय देवगन ने एक साथ काम तो नहीं किया पर फिर भी इन लोगों ने एक दूसरे की फिल्मों को काफी अच्छा सपोर्ट भी किया। अब जिस तरह से अजय देवगन ने पुष्पा के ट्रेलर के दौरान पुष्पा मेकर्स को सपोर्ट किया था, उससे पहले अल्लू अर्जुन ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान नवंबर में रिलीज हुई मूवी सूर्यवंशी जिसमें अजय देवगन नजर आए थे डायनामिक रोल में, उसे लेकर भी काफी सपोर्ट किया था उन्होंने और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने के लिए। तो इसी की वजह से अजय ने पुष्पा को भी सपोर्ट किया, पर अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ये दोनों स्टार्स एक दूसरे को इतना सपोर्ट कर ही रहे हैं तो फिर फिल्मों की रिलीज डेट को लेकर कोई फैसला क्यों नहीं लेते, क्योंकि एक दूसरे का नुकसान करने पर तुले हुए हैं। इसमें से कोई तो पीछे हट सकता है ना, और शायद पुष्पा 2 के मेकर्स को इस बारे में सोचना चाहिए क्योंकि पुष्पा को बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं और ऐसे में मूवी को अगर सोलो रिलीज मिले तो ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। और वैसे भी पुष्पा वालों ने बाद में अपनी रिलीज डेट अनाउंस की थी, तो ऐसे में उन्हें फिर एक बार सोचना चाहिए। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की। भाकरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। पुष्पा 2 के मेकर्स ने रिलीज डेट अनाउंस करने के लिए मूवी का एक पोस्टर रिलीज किया। इसमें अल्लू अर्जुन ने पर्पल कलर की कमीज पहनी हुई है, उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा, सिर्फ उनका हाथ दिख रहा है। इसमें उन्होंने 3 अंगूठियां पहनी हुई है, काली उंगली पर नेल पेंट लगा हुआ है और खून के कुछ छींटे नजर आ रहे हैं। दूसरे हाथ में वो सिगरेट पी रहे हैं, उसी के धुएं से उनका चेहरा छुप रहा है। पोस्टर पर सबसे ऊपर बोल्ड लेटर्स में मूवी की रिलीज डेट लिखी हुई है। खैर, आज हम पुष्पा के सबसे फेमस और वायरल गाने की बात करेंगे। जाने कितने दिन हो गए थे ऊ अंडावा या फिर हिंदी में ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा, ये गाना मेरी आंखों और कानों के सामने से नहीं हटता था। डीजे में वही था, यूट्यूब सजेशन में वही था, रील शॉर्ट्स हर जगह वही था। कभी सामंथा और अल्लू अर्जुन नाच रहे थे तो कभी आम लोग उनके स्टेप्स कॉपी कर रील्स बना रहे थे और गाना था ही इतना कैची कि एक बार
सुन लो तो दिन भर दिमाग से हटता ही नहीं था। कई लोगों का कहना था कि ये गाना प्रोग्रेसिव आइटम सॉन्ग था। लिरिक्स सुनकर आप अपनी राय खुद बताएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गाना प्रोग्रेसिव या फेमिनिस्ट है या औरतों के हक की बात करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसकी पिक्चराइजेशन उस टिपिकल गाने की तरह की गई है जिसमें आम भाषा में आइटम सॉन्ग कहा जाता है। हालांकि आइटम सॉन्ग टर्म कितना सही और कितना गलत है, इस पर हम फिर कभी बात कर सकते हैं। अभी के लिए तो बस इतना ही कि गाने में पर्याप्त एरोटिक ट्रीजें हैं, हीरो और हीरोइन पर्याप्त करीब है, सेक्सुअल अंदाज में दूसरे को छू रहे हैं, उसी इक्वेशन के साथ डांस कर रहे हैं, नायिका भी नायक के मैट्रिस्मो उसके पौरुष से पर्याप्त इम्प्रेस लग रही है। गाने में डांसर्स की बॉडी लैंग्वेज से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ हरासमेंट की कोई शिकायत हो रही है। अब देखो, अगर कोई लड़का मुझसे बदतमीजी करेगा तो मैं उसके गाल पकड़ कर थोड़ी ना कहूँगी कि जान मेरा यौन शोषण मत करो। खैर, उस वक्त इस पर बहुत डिस्कशन हुए थे, कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी, तो उम्मीद यही रहेगी कि इस बार पुष्पा टू में ऐसा कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो जिससे किसी को भी मूवी पर उंगली उठाने का मौका मिले। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की। भाभरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। खून से लथपथ शव, 8 गोलियों के निशान। पुष्पा 2 आने वाली है और रश्मिका बहुत ही जी तोड़ मेहनत कर रही है मूवी के लिए। रश्मिका मंदाना की दूसरी हिंदी मूवी मिशन मजनू रिलीज होने वाली थी। मूवी का एक गाना है रब्बा जानदा। मूवी के एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका भी वहां मौजूद थे। रश्मिका ने इस मौके पर कुछ बात कही थी जो आग की तरह दूर तलक तक। उन्होंने कहा कि रोमांटिक गाने बॉलीवुड में बनते हैं, साउथ की फिल्मों में सिर्फ आइटम नंबर्स होते हैं। उनकी इसी स्टेटमेंट पर साउथ इंडियन सिनेमा की फैंस हर ओर से ट्रॉल करने लगी थी। पहले रश्मिका ने जो कहा वो बताते हैं। रब्बा जानदा एक रोमांटिक गाना है। इसके बारे में बताते हुए रश्मिका कहती हैं, मेरे लिए बड़े होने के दौरान बॉलीवुड रोमांटिक गाने बहुत ज़रूरी रहे। रोमांटिक गानों का मतलब ही होता था बॉलीवुड के रोमांटिक गाने। साउथ में हमारे यहाँ मास मसाला, आइटम नंबर और नाचने वाले गाने होते हैं। आप पुष्पा के गाने ऊ अंडावा को ही देख लीजिए। इस गाने की धुन बनाने वाली देवी श्री प्रसाद ने आउटलुक के साथ ही एक बातचीत में कहा था, ये आइटम सॉन्ग से ज़्यादा एक सोशल मैसेज बन गया है। इसके लिरिक्स में बताया गया है कि आजकल लड़कियों के लिए हालात कैसे हैं। ऐसा असल में होता है जो लोग कुछ भी समझने से इनकार कर देंगे, उन्हें तो सब कुछ ही गलत लग सकता है। इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर गाना अच्छा ना होता तो इतना हिट ना होता। अरे ब्रो, अगर हिट चीज़ का मतलब ये होता कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तब तो हम ये मान लेते कि शीला की जवानी सेक्स एजुकेशन का गीत है। आशिक बनाया अपने प्री मैरिटल सेक्स को नॉर्मलाइज करने के लिए बना था, और हनी सिंह का डोप शोप गाना शराब के नुकसान समझाने के लिए बनाया गया था। पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। ये क्या कर रहा है तू? गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था। पर तुम्हारा माहित है का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? बेटी की शादी पुष्पा ने ही करवाई। पुष्पा ने ही हमारे लिए घर बनवाया। अरे वो हम गरीबों को खाना खिलाता था। जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है। ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं, उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। अब रूल पुष्पा का।
जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। लाल चंदन की स्मगलिंग करके पुष्पा यहाँ का तो नंबर वन डॉन बन गया है, उसका राइज हो गया है और अब पुष्पा टू में उसका रूल पूरा एशिया में होने वाला है। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि लाल चंदन एक रेयर स्पीशीज है और वो पूरे एशिया में सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है और चीन, जापान और कोरिया जैसे एशियन कंट्रीज में लाल चंदन का काफी इस्तेमाल पहले भी किया जाता था और अब भी किया जाता है, इसलिए हम इस बार पुष्पा को एशिया का स्मगलिंग किंग बनते हुए देखेंगे। साथ ही इस बार लाल चंदन के साथ साथ पुष्पा एक और चीज की भी स्मगलिंग कर सकता है, आंध्रा का जो शेषचलम हिल्स है दोस्तों, जहाँ ये पाया जाता है वहीं इसके साथ एक और चीज भी पाई जाती है और वो है टिम्बर, जो वुड से थोड़ा अलग होता है और इसका इस्तेमाल होता है बिल्डिंग बनाने के लिए। वैसे तो ये इजी टू फाउंड स्पीशीज है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का टिम्बर इसी इलाके में मिलता है, तो हो सकता है कि लाल चंदन के साथ टिम्बर की स्मगलिंग करना भी पुष्पा शुरू कर दे और जिस एरा में ये फर्म बेस्ड है तब सभी एशियन कंट्रीज में बिल्डिंग का पीक काम पर हो। दोस्तों अब लाल चंदन और टिम्बर की स्मगलिंग तो वो करेगा ही और उसका प्लान जापान जाने का भी है, लेकिन वो जेल से कैसे छूटेगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही पुष्पा पुष्पा राज कभी झुकेगा नहीं, ये पूरी दुनिया को अपने यूनिक स्टाइल में रंग दिया है। सभी दोस्तों पुष्पा राज का शोल्डर मूवमेंट फॉलो करके काफी रील्स बनाते हैं, पहले तो काफी फैंस को लगा था कि पुष्पा ऐसे ही शोल्डर झुकाकर चल रहा है तो वो कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये तो पुष्पा राज का एक अनोखा स्टाइल है जो उसको अलग बनाता है। लेकिन अल्लू अर्जुन के लिए ये अनोखा और यूनिक बॉडी लैंग्वेज अडाप्ट करना आसान नहीं था, उन्हें शूटिंग के दौरान अपना राइट शोल्डर झुकाकर फिल्म के लिए सीन्स शूट करने पड़ते थे, साथ ही उनके डायलॉग्स भी काफी इंटेंस और दमदार थे जो सांगल में बोलना काफी हार्ड होता था। लेकिन दोस्तों अल्लू अर्जुन एक ऐसे काफ़ी हार्ड वर्किंग एक्टर हैं, वो पुष्पा राज के किरदार में इस तरह से घुल मिल गए कि बॉडी पेन उनके आगे काफ़ी छोटा लगने लगा। दोस्तों पुष्पा फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने जी तोड़ मेहनत की है और उसी का इतना अच्छा आउटकम भी उनको मिला है, नेशनल अवार्ड तो जीत ही लिया उन्होंने और अब वो फिल्म को ऑस्कर जिताने की तैयारी कर रहे हैं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर हैं मनीषा विधानी। पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। यहाँ सर्कल पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद सड़क पर उतर आए। पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए, खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। ये क्या कर रहा है तू? गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था, पर तुम्हारा माहित है क्या पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? बेटी की शादी पुष्पा ने ही करवाई। पुष्पा ने ही हमारे लिए घर बनवाया। अरे वो हम गरीबों को खाना खिलाता था। जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है। ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। अब रूल पुष्पा का। जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। भाभरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए, खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। जवान को लेकर तरह तरह के मीम चले, उनमें से एक बहुत ही पॉपुलर हुआ। मूवी की रिलीज से पहले कहा जा रहा था कि अलग अलग इंडस्ट्री के स्टार मूवी में कैमियो करने वाले हैं। उस तर्ज पर बने मीम में लिखा था, तेलुगु वर्जन में अल्लू अर्जुन दिखेंगे, तमिल में थलापति, कन्नड़ में यश, अमेरिकन में टॉम क्रूज, ब्रिटिश में टॉम हॉलैंड। अल्लू अर्जुन को जवान में कैमियो करने के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसकी वजह पुष्पा द राइज है, रिपोर्ट में कोट किए गए सूत्र ने बताया।
एटली ड्रवान के प्री क्लाइमेक्स सीक्वेंस के लिए साउथ के किसी बड़े स्टार को लाना चाहते थे, लेकिन पुष्पा द राइज की कामयाबी के बाद अल्लू अर्जुन शाहरुख की मूवी में कैमियो नहीं करना चाहते थे, उनकी जगह फिर संजय दत्त आए। रिपोर्ट की माने तो पुष्पा के बाद अल्लू सोच समझकर अपने रोल चुन रहे हैं, उनकी प्राथमिकता बड़ी वेटेज वाली रोल्स ही रहेंगे। शाहरुख और अल्लू अर्जुन भले ही निकट भविष्य में साथ ना नजर आए, लेकिन दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे की तारीफ करते ही रहते हैं। शाहरुख से #AskSRK में कई मौके पर अल्लू अर्जुन के बारे में सवाल किए गए। उन्होंने कहा कि मास फिल्मों की तैयारी के लिए उन्होंने रजनीकांत, यश, अल्लू अर्जुन और थलापति विजय की फिल्में देखी हैं। दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन की साल 2018 की एक पोस्ट वायरल होती रहती है। उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से एक फोटो शेयर कर लिखा था, तुझे देखा तो ये जाना सनम। साल 1995 में ये मूवी देखते वक्त मैंने अपनी जिंदगी का सबसे जादुई लम्हा महसूस किया था और आज 23 साल बाद मैंने फिर ये मूवी देखी, फिर से दिल में वही प्यार और जादू महसूस किया। मेरी जिंदगी का सबसे ऊंचा सिनेमैटिक मोमेंट आजकल और हमेशा। खैर, अल्लू अर्जुन और निर्देशक एटली को साथ देखना जनता के लिए दिलचस्प होगा। एटली ने मास की नब्ज पकड़ ली है, उन्हें पता है किसी चीज को ग्रैंड कैसे बनाना है। साथ ही पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन के पूरे देश में स्वीकार्यता बढ़ी है। उनकी मूवी पुष्पा 2 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली है। अभी ये मूवी प्रोडक्शन स्टेज में है, ऐसा कहा जा रहा है कि पुष्पा 2 पूरी करने के बाद अल्लू अर्जुन एटली के साथ ही काम करेंगे, बशर्ते उनके बीच बात बन जाए। वर्कफ्रंट की बात करें तो अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। पुष्पा द राइज 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। सर्कल पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। कूल से लेकर शेर पर मिले 8 गोलियों के निशान। ये क्या कर रहा है तू? गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था। पर तुम्हारा माहित है का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? बेटी की शादी पुष्पा ने ही करवाई। पता है पुष्पा ने ही हमारे लिए घर बनवाया। अरे वो हम गरीबों को खाना खिलाता था। ब्रेकिंग न्यूज, जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है। ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। अब रूल पुष्पा का। मैं झुकेगा नहीं साला, और पाए ने मैं इन दो डायलॉग्स की वजह से हिंदी मार्केट में पुष्पा राज भाई के लिए जो टिकट विंडोज पर भीड़ लगाए गए और हाउसफुल के बोर्ड्स लगाए गए उसका नतीजा हमने बॉक्स ऑफिस पर देखा ही, फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई और अब इसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला है, यानी कि पुष्पा द रूल। वैसे पुष्पा 2 2024 में आने वाली है जिसका मुकाबला होगा अजय देवगन की सिंघम अगेन से। पर ऐसे में फिल्म से जुड़ी खबरें देखकर मेकर्स फैंस को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रहे हैं। जैसे कि आपने पुष्पा का एक पोस्टर देखा होगा जिसमें अल्लू अर्जुन देवी के अवतार में नजर आ रहे हैं, गले पे नींबू की माला है, चेहरे पर पेंटिंग साड़ी पहनी हुई है और उनके हाथ में गन भी है। हाँ, अभी ये पोस्टर देखकर कुछ बॉलीवुड प्रेमियों ने कहा था कि अगर बॉलीवुड में ऐसा पोस्टर दिखाया जाता तो क्या इसे इतना ही पॉजिटिवली लिया जाता। खैर, हर किसी का अपना विजन होता है, पर ये पोस्टर ऐसे ही नहीं बनाया गया था। इसका फिल्म की स्टोरी से बहुत बड़ा कनेक्शन है क्योंकि इस फिल्म में हमें जतारा एपिसोड दिखाई देने वाला है
जहाँ एक बढ़िया एक्शन सीक्वेंस भी होगा और ये पर्व का एक अहम पार्ट होगा। वैसे गंगम्मा तली चतारा ये तिरुपति मनाया जाने वाला एक रिचुअल है, जहाँ ऐसे गेटअप में लड़के जाते हैं और इसी तरह से एक देवी के अवतार में सज धज कर सब इस फेस्टिवल में शामिल होते हैं। और ये फेस्टिवल मई महीने में होता है 10 से 16 मई के वक्त। अब जैसे कि पुष्पा पार्ट 2 पे हमने देखा कि पुष्पा जेल से भाग चुका है और कब यदा पता नहीं है, इसलिए वेयर इज पुष्पा नाम की क्लिप भी हमें दिखाई गई थी, फिर हमें पुष्पा के दर्शन हुए। तो ये प्लॉट इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा और जेल से भागने के बाद इस उत्सव को लेकर हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई जाएगी, जिसमें शायद पुष्पा राज अपने दुश्मनों का खात्मा करे। वैसे इस फिल्म के लिए एक खास सॉन्ग भी शूट किया गया है और इसे कोरियोग्राफ किया है गणेश आचार्य ने, वो भी 400 डांसर्स के साथ। और इस गाने को कंपोज किया है देवी श्री प्रसाद ने। इसका मतलब डॉक्टर सुकुमार ने अब पुष्पा 2 को इस लेवल का बनाने की तैयारी कर ली है कि पिछली बार जो रिकॉर्ड पुष्पा तोड़ नहीं पाई वो उसे अब तोड़ देगी और नया रिकॉर्ड भी सेट कर देगी। तो फिलहाल आप इस पार्ट 2 के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए। पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। इस समय सर्कल पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 15 अगस्त 2024 को बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में टकराने वाली हैं, जहां पर आप आला रे आला सिंघम आला के साथ साथ आला रे आला पुष्पा आला का भी जय घोष करने वाले हैं। जी हां, 15 अगस्त को बॉलीवुड फिल्म सिंघम अगेन और साउथ पर पुष्पा 2 का क्लैश होने वाला है और ये फिल्म इतिहास रचने वाली है। अब ये बात हर कोई डंके की चोट पर कह सकता है और वैसे भी पुष्पा को हिंदी वर्जन में रिलीज करने के पीछे जिन गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स के डायरेक्टर मनीषा का हाथ है ये उनका कहना है। वैसे पुष्पा फिल्म की शूटिंग 210 दिन तक चली थी और पुष्पा 2 की शूटिंग 250 दिन तक चलेगी ऐसा कहा गया। वैसे शूटिंग पर ही इसके रिलीज के बारे में तय किया जाता है। अब जैसे कि पुष्पा 2 की रिलीज डेट सामने आ चुकी है जो जानबूझकर 15 अगस्त को टपकने वाली है, इसका मतलब कि पद की शूटिंग अभी पूरी हो जानी चाहिए थी पर अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। डायरेक्टर सुकुमार आखिर तक कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, वो आखिरी मोमेंट तक पद के किसी भी सीन में बदलाव करते रहते हैं क्योंकि वो किसी भी हालत में पुष्पा 2 को पुष्पा से भी बेहतर बनाना चाहते हैं, फिर वो डायलॉग हो सिनेमेटोग्राफी हो कैरेक्टर डेवलपमेंट हो या फिर गाने हो, क्योंकि अगर पुष्पा कुछ फिल्मों को बीट नहीं कर पाई जैसे कि बाहुबली KGF RRR इसका मतलब उसमें थोड़ी कमी थी, तो अब वो पुष्पा 2 में पूरी की जाएगी। वैसे उन्हें पता है कि पुष्पा तो झुकेगा नहीं पर अपने दुश्मनों को यानी कि सामने वाले फिल्म को झुका सकता है और ये टीजर से ही समझ में आ रहा है। जब पुष्पा आई थी तब उसके टीजर को 24 घंटे में 24 मिलियन व्यूज मिले थे, वही पुष्पा 2 के टीजर को 24 घंटे में 54 मिलियन व्यूज मिले थे। इससे समझ जाना चाहिए कि पुष्पा 2 की ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और ये 2024 की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है। पर यहाँ पर पुष्पा 2 सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी कि KGF चैप्टर 2 से मार खा गए, क्योंकि चैप्टर 2 के टीजर को 78 मिलियन व्यूज मिले थे 24 घंटे में। अब KGF से ना पुष्पा कंपैरिजन ये कोई नया टॉपिक थोड़ी है, देखा जाए तो टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का ये मोस्ट व्यूड टीजर था। वैसे सुकुमार की नजर हमेशा चैप्टर 2 पर ही रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये समझ में आया है कि जिस तरह से पुष्पा बनाई गई थी जो कि पार कर रख देगी ऐसा नहीं लगा, वो इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ पुष्पा काम नहीं कर पाए क्योंकि रॉकी भाई बीच में आ गए थे, तो अब वो चाहते हैं कि पुष्पा 2 के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो। वैसे ही उनका फायदा होने ही वाला है क्योंकि KGF चैप्टर 3 तो भाई 2025 में आने वाली है, तो मतलब ये है कि उनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर एक साल दूर है और ना ही प्रभास की बाहुबली 3 का कोई नामो निशान है। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल रिलैक्स है और दूसरी बात की अब वो सिंघम अगेन को तो एक च्युइंग गम की तरह समझ रहे हैं। वैसे ये तो बात है ना, कहीं ऐसा हो जाए कि रोहित शेट्टी का ब्लास्ट उन्हें खतरे में डाल दे। आपको क्या लगता है क्या होगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। अनु अर्जुन को KGF 2 के बाद प्रभास की फिल्म सालार का भी चैलेंज मिलेगा क्या? अब आप कहिए कि सालार बीच में कहां से आ गई? KGF 2 और पुष्पा के बीच रिकॉर्ड ब्रेक और रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला तो शुरू था, फिर प्रभास कहां से आ गए? तो आपका ऐसे सोचना बिल्कुल सही है, पर क्या है ना कि पुष्पा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था KGF चैप्टर 2, जिसे काफी हद तक पुष्पा ने बीट करने की कोशिश की पर फिर भी ये मुकाबला तगड़ा रहा रिकॉर्ड्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में।
पर अब चैप्टर 3 2025 में आने वाली है। इसका मतलब अपकमिंग पुष्पा 2 का एक खतरा तो टल चुका है, पर भले ही चैप्टर 3 बाद में आए पर केजीएफ यूनिवर्स में ही बनी फिल्म सालार 4 इसी साल आ रही है ना, वो भी दिसंबर पे। मतलब एक्टर्स और स्टोरी डिफरेंट है पर बाकी सारी थीम और बेस केजीएफ का ही है। अब जिस तरह से सालार एक वॉयलेंट गैंगस्टर ड्रामा होने वाली है, इसका मतलब रॉकी भाई के बाद एक और वॉयलेंस करने वाला बंदा दिखाई देगा जो कि मॉन्स्टर भी हो सकता है और पुष्पा भी एक मॉन्स्टर है जो स्मगलिंग की दुनिया का बादशाह बनने जा रहा है, जो ड्रामा मेलोड्रामा एक्शन सब कुछ करेगा। पर मॉन्स्टर्स में भी कौन नंबर वन पोजीशन पर है इस पर काफी नजरें टिकी होती है। जैसे पुष्पा और रॉकी में कौन नंबर वन पर था, तो अगर सालार इसका दूसरा वर्जन होगा तो पुष्पा के कैरेक्टर को और जोर लगाना पड़ेगा। पर यही रीजन नहीं है कि केजीएफ चैप्टर 2 को प्रशांत नील ने जिस विजन से बनाया है उन्होंने उसी विजन के साथ सालार को नहीं बनाया है, बल्कि इससे भी तगड़ा विजन रखा है और सालार केजीएफ से भी बढ़िया फिल्म होगी। तो प्रभास की सालार बड़ा कॉम्पिटिटर है तेलुगु फिल्मों के लिए या फिर साउथ फिल्मों के लिए। देखा जाए तो प्रभास और अनु अर्जुन दोनों ही तेलुगु के सुपरस्टार्स हैं। टॉप 5 लिस्ट में इन दोनों का ही नाम शामिल होता है, पर इन तेलुगु स्टार्स में कौन बाजी मारता है इसका फैसला होगा। पर प्रभास एक बहुत बड़ा चैलेंज है अनु अर्जुन के लिए, क्योंकि पुष्पा को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ने में, बट वो फेल हो गई। और बाहुबली कौन थे? प्रभास। बाहुबली 2 ने वर्ल्ड वाइड 1788 करोड़ रुपए से कमाई की थी, तो पुष्पा ने सिर्फ 350 करोड़ की। इंडिया पे बाहुबली 2 ने 1416 करोड़ कमाए तो पुष्पा ने सिर्फ 313 करोड़। हिंदी कलेक्शन में पुष्पा ने पहले 3 करोड़ कमाए तो बाहुबली 2 ने 41 करोड़। मतलब कितना डिफरेंस है। तो हिंदी बैंड में पुष्पा ने टोटल 106 करोड़ रुपए की कमाई की थी और बाहुबली 2 ने 500 करोड़ की। और ये प्रभास का स्टारडम है। इसका मतलब ये है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में प्रभास का ही राज चला, ना कि अनु अर्जुन का। तो अनु अर्जुन के लिए प्रभास की हर फिल्म एक तगड़ा कॉम्पिटिशन है। अब सालार की जिस तरह से वाहवाही हो रही है रिलीज से पहले ही, तो ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि फिल्म पहले दिन हिंदी बेल्ट में 40 करोड़ कमा सकती है। तो पुष्पा 2 के मेकर्स को बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें मान देने के लिए। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। भाकरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। जिन पर भरोसा करते हैं उनसे धोखा खाना क्या होता है मुझे पता है। उसे छोड़ के गलती कर दिया, काट देने का था उसे। जब इधर था तब तेरी फट गई थी क्या? अरे उसकी अकड़ कम नहीं हुई। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? मैं इधर टांग अड़ाने को नहीं आया। राज करने के लिए आया मैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बढ़ती हुई हाइप को नेगेटिव वे में ले जाना तो कोई पुष्पा 2 के मेकर्स से सीखे।
मतलब इंट्रोडक्टिव वीडियो को आए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन फिर भी #pushpa2 अभी भी ट्रेंड में है, कुछ पॉजिटिव वे में तो कुछ नेगेटिव। और इसी बढ़ती हुई हाइप की वजह से इस फिल्म को काफी सारी बुकिंग साइट्स पर मोस्ट अवेटेड फिल्म की लिस्ट में 2रे और 3रे नंबर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन कई फैंस ने इस वीडियो को देखने के बाद अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम कर दी हैं। लेकिन क्यों? तो चलिए आपको कुछ ऐसी वजहें बताते हैं दोस्तों, जिन्हें सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर पुष्पा 2 को नेगेटिव वे में क्यों लिया जा रहा है। दोस्तों सबसे पहली वजह तो ये है कि वेयर इज पुष्पा, ऐसे टाइटल रखकर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा जैसे सवाल बनाने की कोशिश की गई है, जो काफी ओल्ड फैशन है। इसके बाद पुष्पा जो पहले से ही बैड गैंगस्टर था उसे रॉबिनहुड जैसा बनाने की कोशिश की गई है, और हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि पुष्पा भले ही बुरा था लेकिन वो गरीबों की मदद कर रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट ये वाला कॉन्सेप्ट काफी पुराना हो चुका है, जहां हमें ये उम्मीद थी कि जैसे पहले पार्ट में एक नए स्टाइल को एक्सप्लोर किया गया है वैसे ही पार्ट 2 में पुष्पा के ऑल एंड ऑल बैड गाय ही बताया जाएगा, लेकिन यहाँ हम डिसअपॉइंट हो गए हैं। दोस्तों उसके साथ ये फिल्म पूरी तरह से केजीएफ से इंस्पायर्ड लग रही है, फिर वो कुछ सालों का लीप हो, पुष्पा मर गया है इस बात को फैलाना हो, पुष्पा के चाहने वालों की बगावत करना हो, या फिर चाइना और जापान का नाम लेकर सेम इंटरनेशनल प्लॉट का इस्तेमाल करना हो, ये सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि हमें पुष्पा की कहानी केजीएफ की थीम में दिखाई जाने वाली है। और हमारा जो डर था कि कहीं पुष्पा 2 पर केजीएफ का असर न हो जाए, वो दोस्तों सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद पुष्पा के चहेते लोगों का बगावत करना भी काफी क्रिंज था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है कि लोगों के सामने पुलिस कमजोर पड़ गई है। यहाँ पर भी सेम केजीएफ जैसा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि क्या ये फिल्में ये दिखाना चाहती हैं कि हमारे देश की पुलिस इतनी कमजोर है कि गैंगस्टर के सामने झुक गई है। हाँ दोस्तों, माना कि ये फिल्म 90s के वक्त की है जहाँ करप्शन अपने पीक पर था, लेकिन उस वक्त भी कई ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स थे, और आखिर में उस टाइगर वाले सीन की बात ना ही करें तो सही रहेगा, क्योंकि वो इस साल का दोस्तों सबसे क्रिंजीएस्ट मोमेंट था। तो दोस्तों अब बस यही उम्मीद है कि इंटरएक्टिव वीडियो सिर्फ प्रमोशन का ही पार्ट हो, फिल्म का हिस्सा ना हो। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी। पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। इस समय आप सड़क पर मौजूद हैं और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद सड़क पर आएंगे। साउथ मूवीज का एक फैक्टर होता है उनका बैकग्राउंड म्यूजिक यानी कि BGM, जो काफी होता है फैंस के लिए कि वो थिएटर में फिल्म को देखने के लिए जाए। नॉर्थ ऑडियंस के बीच BGM का सिलसिला बाहुबली मूवी ने स्टार्ट किया, जो KGF, कंतारा, RRR और भी कई सारी मूवीज ने कायम रखा। लेकिन पुष्पा द राइज की अगर बात की जाए तो इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना अच्छा नहीं था। जी हाँ, इनफैक्ट हम तो ये भी कह सकते हैं कि ये फिल्म का ना एक वीकनेस था। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा नहीं होना फिल्म के लिए वीकनेस नहीं तो और क्या है। अगर हम बात कर ही रहे हैं फिल्म की वीकनेस की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक तो खास था ही नहीं, क्योंकि जिन सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से गूज़बम्प्स आते हैं या फिर हम थ्रिल फील करते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, वैसे सीन ना फ्लैट चले गए थे। इसके साथ ही शिवल्ली का कैरेक्टर एक तरह से देखा जाए तो यूजलेस था। अगर शिवल्ली का कैरेक्टर नहीं भी होता तो फिल्म काफी अच्छी लगती। इसके बाद 3 घंटे लंबा स्क्रीन टाइम, मतलब 3 घंटे जितनी बड़ी फिल्म की क्या जरूरत थी, क्योंकि पुष्पा की स्टोरी ऐसी थी 3 घंटे से कम की टाइम में भी खत्म कर सकते थे। इसके साथ ही पुष्पा की जो पंचलाइन थी उसका कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया गया था, जो एक्सेसिव हो गया था। और आखिर में केशवा के किरदार को जस्टिस नहीं मिला, वो शुरू से लेकर पुष्पा के साथ रहा लेकिन पुष्पा की तरफ से उसे इमोशनल कनेक्शन कम मिला, और लास्ट में ऐसा ही लगा कि केशवा पुष्पा का दोस्त नहीं बल्कि सर्वेंट है। और शायद यही वजह थी जिस वजह से फिल्म को अपने ही होम टाउन में मिक्स्ड रिव्यूज मिले और पुष्पा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। जबकि नॉर्थ की बात की जाए तो पुष्पा के डायलॉग और शिवल्ली गाना, इन दोनों की वजह से ही पुष्पा का राइज काफी ज्यादा अच्छा हुआ। और उस दौरान हिंदी मूवीज अच्छी नहीं आ रही थी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उस वक्त फिल्म में जो आ रही थी वो एक्सपेक्टेशन से भी बुरी थी, इसलिए जब पुष्पा आई तब लोग उसे देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, काफी उत्साहित हो गए और फिल्म ने नॉर्थ में काफी अच्छी खासी कमाई करी। अब जब 15 अगस्त 2024 को पुष्पा 2 यानी कि पुष्पा द रिलीज आने वाली है, तो इस फिल्म से एक ही उम्मीद करते हैं कि पहले तो फिल्म की रिलीज डेट डिले ना हो। 1 साल पहले रिलीज डेट दे तो दी है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता।
के बाद शिवली के कैरेक्टर को कुछ इम्पोर्टेंस दी जाए, साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक ये अच्छा होना चाहिए और केशव और पुष्पा का बॉन्ड दिखाया जाए। और अगर पुष्पा केशव को इसी तरह से ट्रीट करता रहा तो हमें पूरा विश्वास है कि केशव आखिर में पुष्पा को धोखा दे देगा और बगावत कर बैठेगा। इसके साथ ही हमें ये भी उम्मीद है कि इस बार फिल्म का रन टाइम 3 घंटे से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 2 घंटे 45 मिनट का हो जो आइडियल रन टाइम है, जो जवान और लियो जैसी मूवीज का था। साथ ही मूवी की कहानी अच्छी होनी चाहिए ताकि ऑडियंस इससे कनेक्ट कर पाए, क्योंकि सुनने में आया था कि डायरेक्टर सुकुमार ने उनकी कहानी को चेंज किया है। जी हाँ, तो होपफुली उनका चेंज अच्छा चेंज हो, पूरा चेंज ना हो। तो आपका इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। इस समय आप सड़क पर मौजूद हैं और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है। आज तक पुष्पा के इस डायलॉग को हम एक सेवेज डायलॉग या फिर यू कह ले कि पंचलाइन की तरह देखते थे, जो पुष्पा के किरदार को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और कूल बनाता है। लेकिन ये सिर्फ एक कूल डायलॉग ही नहीं है बल्कि शुरुआत से पुष्पा के एंड की हिंट है। कैसे? तो पुष्पा को फिल्म में कई बार फायर या फिर मैचस्टिक से कंपेयर किया जाता है, और जब उसकी शिवल्ली के साथ शादी हो रही थी तब उस हवन कुंड की आग में भी पुष्पा के किरदार को और इंटेंसीफाई होता हुआ दिखाया गया, और शायद यही आग उसके मरने की वजह बनने वाली है। जब उसे लाल चंदन के जंगल के बीच लाकर जंगल को ही आग लगा दी जाएगी और पुष्पा नाम का फायर फायर के साथ ही दुनिया से चला जाएगा। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि पुष्पा को मारना ही क्यों है। तो पुष्पा ने भले ही काफी स्ट्रगल किया है, उसकी एक मजदूर से सिंडिकेट के मालिक बनने की जर्नी काफी अच्छी है। वो गरीबों की मदद करता है, वो अपनी माँ और वाइफ से बहुत प्यार करता है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो है तो एक क्रिमिनल ना, जिसके किरदार को हम पैब्लो एस्कोबार से कंपेयर कर सकते हैं, जो एक अव्वल नंबर का गुंडा था। गरीबों की मदद क्या करता था, लेकिन उसने कई गलत काम किया था। वैसे ही गलत काम पुष्पा 2 द रूल में पुष्पा अपनी रूल को एस्टैब्लिश करने के लिए करने वाला है। दोस्तों, हर फिल्म या फिर सीरीज में ऐसा एक किरदार होता है जो पहले बुरा होता है, लेकिन उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होने के बाद वो सबका फेवरेट बन जाता है। जैसे नेटफ्लिक्स की स्ट्रेंजर थिंग्स का स्टीव, लेकिन पुष्पा में उसका उल्टा होगा। पुष्पा के किरदार को सभी काफी पसंद करते हैं, लेकिन डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा के इस किरदार को पार्ट 2 में काफी क्रूर बनाने वाले हैं, जो ऐसे बुरे काम करेगा कि जब पार्ट 3 में उसके किरदार की मौत होगी ना, तो उसके फैंस को ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि हर स्क्रीन प्ले या फिर फिल्म का नैरेटिव तब अच्छा बनता है जब एक एक्शन के पीछे की वजह काफी सही है, जिसे देखकर ऑडियंस ये बोले कि हाँ वो तो अच्छा था लेकिन उसका मरना जरूरी था। एंड हमें उम्मीद है कि पुष्पा के पार्ट 3 में जब पुष्पा को मारने का वक्त आए तो ऑल एंड ऑल उसे मार ही दिया जाए और KGF 2 की तरह कोई हिंट ना छुड़ी जाए कि पुष्पा जिंदा है या फिर अगला पार्ट आने वाला है। क्योंकि आने वाला तो दूसरा भी नहीं था, लेकिन तीसरा भी आएगा। लेकिन अगर चौथा पार्ट आया और एक और कहानी को स्क्रैच किया गया तो वो काफी बुरा होगा। तो आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की। भाभरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। जिन पर भरोसा करते हैं उनसे धोखा खाना क्या होता है मुझे पता है। उसे छोड़ के गलती कर दिया, काट देने का था उसे। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
वो जब इधर था तब तेरी फट गई थी क्या? अरे उसकी अकड़ कम नहीं हुई? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? भाई इधर टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। सभी का स्वागत है बॉलीक्राट स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। पुष्पा 2 के पोस्टर और इंट्रोडक्टरी वीडियो आने के बाद पुष्पा का किरदार तो मिस्टीरियस लगा ही, लेकिन जिस किरदार को सबने ढूंढा वो श्रीवल्ली नहीं बल्कि केशवा का था, जो पुष्पा के साथ उसकी जर्नी में पहले से ही रहा। और अब इस किरदार के बारे में मार्केट में कई सारी बातें फैल चुकी हैं, तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है केशवा के बारे में। तो सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि केशवा पुलिस का आदमी है, जो पुष्पा जैसे लाल चंदन के स्मगलर्स पर जासूसी करने आया था और पुष्पा के डाउनफॉल की वजह वही बनने वाला है। और जैसा कि हमने वीडियो में देखा था कि पुष्पा जेल से भाग गया है, तो उसे जेल भिजवाने के पीछे केशवा का ही हाथ होगा, यानी दोस्त बना दुश्मन वाला प्लॉट होगा। और साथ ही अगर केशवा ने पुष्पा को पकड़वाया है और उसे धोखा दिया है तो दोस्तों वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसके बाद एक थ्योरी ये भी है कि केशवा पुष्पा के एटीट्यूड और उनकी कामयाबी से जलने वाला लगता है, और जो केशवा पुष्पा के आगे पीछे घूमता रहता है वो बस उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और अब उसे सिंडिकेट का मालिक बनना होता है। इसलिए वो पुष्पा से बगावत कर लेता है और दुश्मन उसे हाथ मिला लेता है, जैसे कि केजीएफ चैप्टर 1 में गरुड़ा के भाई ने अपने ही बाप और भाई से बगावत की और दुश्मन उसे हाथ मिला लिया था। थ्योरीज का सिलसिला दोस्तों यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि एक और थ्योरी ये है और उसके हिसाब से पुष्पा की स्टोरी को नरेट किया जा रहा है और उसे नरेट कर रहा है केशवा और पुष्पा के तीसरे पार्ट, जो पुष्पा द फॉल होगा, क्योंकि राइज के बाद रूल होता है और रूल के बाद फॉल होगा, क्योंकि जो जितना ऊंचा चढ़ता है वो उतना ही नीचे गिरता भी है। इसलिए उसके एंड में हमें ये दिखाया जाएगा कि पुष्पा का अंत कैसा होता है और उसे नरेट भी केशवा ही करेगा, जो ये कहानी अपने बच्चों को या पुष्पा के बच्चों को बता रहा होगा। अब दोस्तों इन तीनों में से सही थ्योरी कौन सी साबित होती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल पुष्पा 2 की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है और अभी से पुष्पा 2 ने मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले साल में 15 अगस्त पर जो बॉलीवुड वर्सेस साउथ मूवी का जो क्लैश होगा दोस्तों, यानी सिंघम अगेन वर्सेस पुष्पा 2, उसमें पुष्पा 2 ही जीतेगी। साथ ही इस क्लैश से पहले सलार वर्सेस डंकी का क्लैश भी देखने लायक होगा, जो इस आने वाले क्लैश के बारे में कई सारी चीजें डिटरमाइन करने वाला है। तो आपका केशवा के किरदार के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी। पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए, मिले 8 गोलियों के निशान। जब पुष्पा फिल्म रिलीज हुई तब पुष्पा फिल्म के पुष्पा की चर्चा के साथ साथ केजीएफ के रॉकी भाई की भी चर्चा हो रही थी, और ऐसा कहा जा रहा था कि पुष्पा वालों ने केजीएफ का क्रेज देखते हुए अपनी स्टोरी में बदलाव किए हैं। वैसे ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, पर हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पुष्पा 2 और केजीएफ 3 ये साउथ की अपकमिंग आने वाले सालों में मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्में हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पुष्पा 2 प्लस केजीएफ 3 इज इक्वल्स टू बॉलीवुड खत्म। जी हाँ, वैसे बॉलीवुड खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड के पास बादशाह है बादशाह, जो एक साल में 2000 करोड़ कमाकर अपनी इंडस्ट्री को बचा चुके हैं। खैर, पर इस बार पुष्पा 2 से बहुत ज्यादा ही उम्मीदें हैं। इसकी वजह यह है कि एक तो इसकी पहले पार्ट की कंपैरिजन केजीएफ से की गई थी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि पुष्पा का हाइप है, पर केजीएफ 2 को हाइप की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो ब्रांड है। पुष्पा अच्छी फिल्म है पर केजीएफ जैसा लेवल किसी का नहीं हो सकता, तो ऐसे कुछ कमेंट्स थे। तो इन कमेंट्स को पुष्पा 2 को अब अच्छा खासा जवाब देना ही पड़ेगा। खैर, पुष्पा 2 इसका अच्छा खासा जवाब दे सकती है। वैसे अब पुष्पा 2 को लेकर डायरेक्टर सुकुमार की एक्सपेक्टेशंस 1000 करोड़ की है, क्योंकि पहले ही जवान ने साउथ में अपना डंका बजा दिया है और बॉलीवुड के साथ साथ कई
साउथ फिल्मों को उसका चैलेंज दिया गया है, जिसकी वजह से सुकुमार ने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्क्रिप्ट में चेंजेस किए थे। और इस बार उनका खास फोकस होने वाला है डायलॉग्स के ऊपर काम करना, क्योंकि डायलॉग्स की वजह से पुष्पा को काफी ज्यादा हाइप मिल सकता है हिंदी मार्केट में, जैसे कि झुकेगा नहीं साला या फिर फ्लावर समझे क्या। इन डायलॉग्स ने ही तो तबाही मचा दी थी, कमाल कर दिया था और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड में नंबर्स बढ़ाने के लिए काफी हेल्प भी किया था। वैसे मुंबई में इसका इतना ज्यादा क्रेज था ना कि एक बंटी जो सेंटर चलाने वाले बंदे ने पुष्पा के नाम पर अपने ड्रिंक्स के नाम रखे थे और वो जिस मग में सर्व करता था ना उस पर अल्लू अर्जुन की फोटो और डायलॉग्स हुआ करते थे। तो अगर इस क्रेजीनेस को डबल ट्रिपल करना है तो डायलॉग्स में जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि हिंदी बेल्ट में ये काम तो श्रेयस तलपड़ ही कर सकते हैं, जिन्होंने पुष्पा को डब किया था और डायलॉग्स को अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज भी किया था, जो आज फेमस है। वैसे हिंदी बेल्ट तो अल्लू अर्जुन के लिए बहुत मायने रखता है, पर दूसरा जो तगड़ा सपोर्ट उन्हें केरला की तरफ से मिलता है वो भी तो बहुत बड़ी बात है। वैसे भी पुष्पा फिल्म की शूटिंग उसका थर्ड शेड्यूल केरला के कुछ फॉरेस्ट में ही हुआ था। वैसे अल्लू अर्जुन केरला में भी काफी तगड़ा फैन बेस रखते हैं, जबकि वहां पर दुलकर सलमान और मोहनलाल जैसे तगड़े सुपरस्टार्स ऑलरेडी अपना क्रेज बनाए हुए हैं। पर पुष्पा के टाइम पर भी सिर्फ अल्लू अर्जुन का ही राज था, मतलब पहले 41 फैन शोज पुष्पा के लिए बुक किए गए थे और ये आंकड़ा 100 तक पहुंच गया। तो पुष्पा जो झुका भी नहीं और उनके फैंस ने उन्हें झुकने भी नहीं दिया, ये उनकी फैन फॉलोइंग है। This is what we expect for part 2 also. फिलहाल आपके क्या expectations है part 2 से हमें comments में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। भाकरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। दोस्तों कहने को तो हमारा फिल्म इंडस्ट्री 50 सालों से भी ज्यादा पुराना है। समय के साथ साथ इसमें काफी सारे बदलाव आए हैं, चेंजेस हुए हैं, लेकिन अभी भी जेंडर इनइक्वालिटी का इशू सॉल्व नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि फीमेल लीड एक्ट्रेसेस को मेल एक्टर्स की तुलना में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितने की मेल एक्टर्स को मिलती है, और ये बात उन्हें दी जाती फीस पर से ही साबित हो जाती है। जहां मेल एक्टर्स को 100 करोड़ जितना बड़ा अमाउंट आसानी से पे हो जाता है, तो वहीं फीमेल एक्ट्रेसेस को उनका आधा तो क्या 10-20% भी नहीं दिया जाता है। जी हाँ, इसका साफ एग्जाम्पल है पुष्पा द राइस फिल्म, जहां अल्लू अर्जुन को 85 करोड़ रुपए मिले थे, तो वहीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी रश्मिका मंदाना, जिनकी फीस थी 4-5 करोड़ रुपए। और ऐसा लगभग सभी फिल्मों में होता है, ये कोई इकलौती फिल्म नहीं है। पर वो बॉलीवुड हो या फिर टॉलीवुड हो, जेंडर इनइक्वालिटी का इश्यू हर जगह पर है। आज के हमारे देश की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें अपनी फिल्म के लिए फिल्म के मेल लीड एक्टर से ज्यादा फीस मिली थी, और हम बात करें उनकी पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों की। और हमारा तो ऐसा ही मानना है कि सभी फीमेल एक्ट्रेसेस को फिल्म में सिर्फ ट्रॉफी या फिर ग्लैमर के लिए ना रखा जाए, बल्कि उनके किरदारों को भी अहमियत दी जाए, तभी तो वुमेन एम्पावरमेंट दिखेगा ना। अब रश्मिका का श्रीवल्ली वाला किरदार ही देख लीजिए, अगर नहीं होता तो भी फिल्म चल जाती ना। इसकी जगह अगर उनके किरदार के लिए थोड़ा और स्क्रीन प्रेजेंस, थोड़ी सी और मैच्योरिटी, थोड़ा एक्शन, थोड़ा सा इम्पोर्टेंस उन्हें भी दिया गया होता ना, तो इस किरदार को और अच्छे से लोग एक्सप्लोर कर पाते, उसके कैरेक्टर को अहमियत मिल जाती। और अब तो कहा जा रहा है कि पुष्पा 2 में श्रीवल्ली के किरदार को मार दिया जाएगा, यानी कि KGF 2 की कॉपी की जाएगी और फिर पुष्पा गुस्से से पागल हो जाएगा और कुछ गलत काम कर बैठेगा, और फैंस को मौका मिल जाएगा शिवल्ली के किरदार को हेट करने का कि इसकी वजह से उनके हीरो ने गलती कर दी, और सब उसे पुष्पा के डाउनफॉल की वजह मानेंगे। होपफुली ऐसा ना हो और इस बार शिवल्ली के किरदार को अच्छे से लिखा गया हो, उन्हें एक्सप्लोर किया गया हो, जो फिल्म में सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि इम्पोर्टेंस भी ऐड करे। साथ ही पुष्पा 2 जो 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने जा रही है, इस फिल्म ने काफी अच्छा रिलीज टाइम चूज किया है, जो पहले सिंघम अगेन के लिए रोहित शेट्टी ने चुना था दोस्तों। लेकिन अब सिंघम अगेन 15 अगस्त पर आ रही है या नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन पुष्पा 2 को 6 दिनों का वीकेंड मिलने वाला है, क्योंकि 15 अगस्त के हॉलीडे के बाद वीकेंड है और फिर मंडे को रक्षाबंधन का हॉलीडे है और फिर से नॉर्मल वीकेंड भी है। इसलिए पुष्पा 2 जिसकी हाइप ऑलरेडी काफी ज्यादा है, वो इस लॉन्ग वीकेंड का जरूर फायदा उठाने वाली है। तो इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए।
बाय। पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। सड़क पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद सड़क पर उतर आए। पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। फूल से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। ये क्या कर रहा है तू? गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था। पर तुम्हारा माहिती है का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? बेटी की शादी पुष्पा ने ही करवाई। पुष्पा ने ही हमारे लिए घर बनवाया। अरे वो हम गरीबों को खाना खिलाता था। जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है। ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। अब पुष्पा का पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। फूल से लथपथ पर मिले 8 गोलियों के निशान। पुष्पा की जिंदगी में 2 लोग सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। पहले उसकी माँ और दूसरे उसकी शिवल्ली, जिसके लिए पुष्पा ने खुद अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था रेडी ब्रदर्स से पंगा लेकर। लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। अगर कहानी को सच में फूल से फायर बनाना है तो शिवल्ली का मरना भी बहुत जरूरी है, और ये होगा भी क्योंकि इसकी वजह से पुष्पा खुद अपने सिंडिकेट के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और यहां से आता है पॉइंट नंबर 2, पुष्पा का बुरा समय। अब देखो, शिवल्ली जाएगी तो पुष्पा का दिल उसके दिमाग को टेक ओवर कर लेगा। बस यहां से वो पैसा और पावर को भूल जाएगा और पुष्पा की जिंदगी का सिर्फ एक ही मिशन होगा, सिंडिकेट की बर्बादी। लेकिन दुश्मनों की गिनती हो जाएगी काफी लंबी, जैसे रेडी ब्रदर्स, एक के पास दिमाग तो दूसरे के पास पागलपन। पर मंगल सीनू और उसकी साइको पत्नी, और अंत में नेता MLA जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, जो सिर्फ पैसों से मतलब है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, जो है IPS शेखावत। इस बंदे ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर पूरी फिल्म को डोमिनेट कर दिया, लेकिन क्लाइमैक्स में पुष्पा के हाथों बेइज्जत होने पर उसका मजाक बनकर रह गया था। अब देखो, शेखावत एक करप्ट ऑफिसर जरूर है, लेकिन इनको पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं है। ये सब क्रिमिनल्स को खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो लीगल हो या फिर इलीगल तरीके से हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ऐसे है क्यों? इनकी बैक स्टोरी क्या है? क्यों पुलिस डिपार्टमेंट में सभी इनसे डरते हैं? इसका राज भी पुष्पा 2 में ही खुलेगा। जैसे पुष्पा का पास्ट है, वैसे ही शेखावत की भी कोई छुपी हुई बैक स्टोरी जरूर है, जिसकी वजह से वो पुलिस के यूनिफॉर्म में गुंडों वाली हरकतें करता रहता है। अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, पुष्पा द रिवेंज। पुष्पा मूवी का सबसे मशहूर डायलॉग है, झुकेगा नहीं। पार्ट 2 के क्लाइमैक्स में पुष्पा के पास 2 साफ विकल्प होने वाले हैं। पहला, पुलिस और दुश्मन के सामने सरेंडर करना। दूसरा, खतरनाक फेस ऑफ, जैसे डू और डाई। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क ये है कि सभी दुश्मन बन जाएंगे दोस्त और पुष्पा राज हो जाएगा बिल्कुल अकेला। इनके तो दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं। पुष्पा वर्सेस पुलिस वर्सेस पावर वर्सेस राजनीति, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा ये तो हमें पुष्पा पार्ट 2 में ही मालूम चल पाएगा। तो ये तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज है जो पुष्पा 2 में आने वाली है। लेकिन साथ ही यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि पुष्पा 2 की टाइमलाइन में जो लीप आया है और कहानी को 4 साल बाद दिखाया गया है, वो वाला हिस्सा इसी फिल्म में आएगा या फिर पार्ट 3 भी आने वाला है जो स्पिन ऑफ होगा जस्ट लाइक KGF? तो इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
गाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। दोस्तों अगर आप अनु अर्जुन के पहले से पहले तो आप जानते होंगे कि उनका निकनेम वरी है, और अगर आप उनकी फिल्म पुष्पा देखने के बाद उनकी फैन बने ना तो शायद आपकी तो ये बात नहीं होगी। उनकी फैमिली और फ्रेंड्स उन्हें बचपन से ही बनी नाम से बुलाते हैं, है ना काफी क्यूट और अडोरेबल नाम, मुझे तो भाई बहुत ही पसंद है, जो अनु अर्जुन की पर्सनैलिटी को भी काफी सूट करता है। वैसे कई लोगों का ये मानना है कि उन्हें ये निकनेम 2005 में आई फिल्म बनी के बाद मिला है। इस फिल्म में उनका नाम भी ना बनी ही था। हम ऐसा कह सकते हैं कि उनके फैंस उन्हें बनी नाम से इस फिल्म के बाद बुलाते हैं, लेकिन उनकी फैमिली की बनी तो वो बचपन से ही है। वैसे बनी के साथ साथ उन्हें स्टाइलिश स्टार भी कहा जाता है, और उनका ये नाम भी उन्हें काफी सूट करता है, क्योंकि उनका स्टाइल तो भाई सबसे यूनिक और डिफरेंट होता है, बिल्कुल लाजवाब होता है। अब अगर हम हमारे बनी की बात कर ही रहे तो काफी कम लोग ये जानते हैं कि अल्लू अर्जुन ड्राइंग और फोटोग्राफी भी काफी अच्छी करते हैं। ये दोनों ही उनकी फेवरेट हॉबीज है, और वो अपने फ्री टाइम में अपने बच्चों के साथ भी इसे करते रहते हैं। लेकिन अपने करियर के शुरुआत में बनी ने ये सोचा भी था कि वो एनिमेटर बनना चाहते हैं और अपनी दोनों हॉबीज को पैशन में बदलना चाहते थे, है ये तो हो नहीं पाया। लेकिन उन्होंने एज जूनियर एनिमेटर एक जगह पार्ट टाइम जॉब भी की हुई है। जी हाँ, इन शॉर्ट हमारे पुष्पा सिर्फ एक्टिंग और डांसिंग में ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई सारी चीजों में माहिर है। हर साउथ फिल्म अपने एक्शन के साथ साथ अपनी बीजीएम के लिए भी जानी जाती है, और कई लोगों ने पुष्पा का बीजीएम और पुष्पा राज वाला डायलॉग सुनकर ही ना फिल्म देखने का डिसाइड किया था। लेकिन शायद पुष्पा 2 में वो कमाल की बीजीएम हमें सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पुष्पा की म्यूजिक डायरेक्टर है देवी श्री प्रसाद, जिन्हें हम डीएसपी के नाम से जानते हैं। वो आजकल जितनी बननी चाहिए उतनी अच्छी बीजीएम या फिर फिल्म का म्यूजिक नहीं बना रहे हैं। हाँ मुझे पता ये सैड न्यूज है, उनकी लास्ट रिलीज द वॉरियर में डीएसपी के ज्यादा नहीं चल पाया और उन्हें काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं। इसलिए फिल्म मेकर से फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि वो इस बार म्यूजिक का ध्यान रखे और या तो डीएसपी की जगह पर किसी और को ही अप्रोच कर ले मेकर्स, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि जहां आज लोग हिप हॉप या फिर पॉप म्यूजिक के जमाने में है वहीं डीएसपी 10 साल पुराने जमाने में ही जी रहे हैं और अपने म्यूजिक में कोई इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे हैं। अब आप केजीएफ 2 की बीजीएम देख लीजिए या फिर किंग खान की जवान को देखिए, जिनकी म्यूजिक ने लोगों को पागल कर दिया, और पुष्पा 2 से भी उनकी यही उम्मीदें हैं। अब जब अनु अर्जुन फिल्म को ऑस्कर के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वो जरूर कुछ तो करेंगे ही। तो आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब रोल पुष्पा का। दुनिया में ऐसे बहुत से नमूने हैं जो झुकते नहीं बल्कि दूसरों को झुकाने में विश्वास रखते हैं, और उसमें से एक नमूना है पुष्पराज। ये भाई साहब पुष्पा लेकर आए और फायर है मैं कहकर सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड जला कर चले गए, और अब हिस्ट्री को रिपीट करने आ रहे हैं पुष्पा 2 लेकर। वैसे पुष्पा 2 का मुकाबला 15 अगस्त को अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन के साथ होने वाला है, मतलब एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ स्मगलर। अब कलयुग में क्या क्या देखने को मिलेगा क्या पता, पर पुष्पराज का क्रेज बरकरार है भाई। एक तो पुष्पा 2 के पोस्टर जिसमें अल्लू अर्जुन ने एक ऐसा अवतार किया है कि वो किसी देवी की तरह लग रहे हैं, मतलब नींबू की माला पहना, चेहरे को पेंट कर दिया, बहुत ही भयानक, और यहां से एक सस्पेंस वाला धुआं निकलता है जिसकी वजह से फिल्म को प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। और अब इसके सामने सिंघम अगेन है, और ऑडियंस का कहना है कि वो सिंघम नहीं पुष्पा 2 देखेंगे, क्योंकि पुष्पा की डायलॉग डिलीवरी, उसका स्वैग, इसका हैंगओवर खत्म ही नहीं हो रहा है। वैसे पुष्पा की हर एक बात को सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाया जा रहा है, जैसे कि फैंस ने उनका हटके शर्ट स्टाइल देखकर स्पेशल शर्ट्स भी डिजाइन करवाए। पुष्पा का कभी उनकी श्री वल्ली का फोटो उस पर प्रिंट करवाया, तो वहीं पुष्पा जैकेट्स कहकर जैकेट्स भी डिजाइन किए गए जो मार्केट में अवेलेबल है। इससे पता चलता है कि फैंस पुष्पा के लिए कितने पागल है। वैसे इस बार का जो पुष्पा का कॉस्ट्यूम है उसके जो शर्ट्स है वो भी ऐसे ही अतरंगी होने वाले हैं। वो फर्क सिर्फ इतना होगा कि हाथ और गले में सोने की चेन, अंगूठियां, ब्रेसलेट्स और भर भर के नेल पॉलिश देखने को मिलेगी, क्योंकि अब पुष्पा कोई सीधा साधा बंदा नहीं रहा। वो अब इंटरनेशनल टूर्स करेगा, सब पर राज करेगा और अपने रूल्स बनाएगा।
वैसे ऐसे ही क्रेज हमें सलमान खान की फिल्मों को लेकर भी देखने को मिलता है, जहां उनका टाइगर वाला वो सिग्नेचर स्कार्फ या दबंग वाले गॉगल्स सब कुछ मार्केट में ट्रेंड करता है। वैसे पुष्पा 2 की जो बीच में क्लिप वायरल हो रही थी, उसमें पुष्पा के साथ टाइगर भी नजर आ रहा था, और वो टाइगर से डर नहीं रहे थे बल्कि टाइगर उनसे डर रहा था। ऐसा ही हाल टाइगर 3 के एक पोस्टर को लेकर भी हुआ था, जहां टाइगर यानी सलमान खान और असली टाइगर एक ही फ्रेम में दिखाए गए थे। मतलब यहां ये देखने की कोशिश हो रही थी कि ये शेर है, सबके बाप है, और उनके सामने खूंखार जानवर भी डर जाते हैं। वैसे पुष्पा का फीवर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो पता नहीं पुष्पा 2 आने के बाद क्या होगा, पर इतना जरूर है कि पुष्पा 2 इस बार पैन इंडिया इस शब्द को सीरियसली लेकर ही मैदान में उतरेगी और बॉक्स ऑफिस फाड़ देगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं पुष्पा 2 के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। सर्कल पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा की OTT के आने के बाद दुनिया में और पैन इंडिया के आने के बाद इंडिया में लैंग्वेज का अब कोई बैरियर नहीं रहा। आजकल एक गाँव में रहने वाला टीनेजर भी K-pop सुनता है या फिर हॉलीवुड की फिल्में देखता है, तो वहीं कई सारे फॉरेनर्स को इंडियन म्यूजिक और फिल्मों से लगाव होता है। कई सारे लोग इंग्लिश, कोरियन या फिर तमिल फिल्में हिंदी में डब की हुई देखना बहुत पसंद करते हैं, तो वहीं कई लोग वो मूवी उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखना पसंद करते हैं। लेकिन आजकल हॉलीवुड की और साउथ इंडियन फिल्मों की हिंदी डबिंग काफी अच्छी तरह से की जाती है। मगर दोस्तों, जो कुछ भी कह लीजिए, असली फन तो तब आता है कि जब हम जो लैंग्वेज सुनते हैं ना, उसी में उस फन को देखते हैं या फिर सॉन्ग को। पुष्पा की हिंदी डबिंग भी लाजवाब थी और श्रेयस तलपड़े ने जो अल्लू अर्जुन की वॉइस को डब किया था वो तो वाकई काबिले तारीफ था। पुष्पा ओरिजिनल तेलुगु फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म को हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज किया गया था, और इस बार पुष्पा द रूल तो 10 अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज की जाने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पुष्पा सिर्फ 5 भाषाओं में आई थी, वही पुष्पा 2 10 भाषाओं में आएगी, और उन भाषाओं में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ के साथ साथ ये फिल्म इंग्लिश, कोरियन, चाइनीज, जापानीज और थाई जैसी एशियन भाषाओं में भी रिलीज होने वाली है। जैसे धनुष और ऐश्वर्या की जग में थंदीराम पहली साउथ इंडियन फिल्म बनी जिसे 17 भाषाओं में रिलीज किया गया, और साथ ही थलाइवा रजनीकांत सर की रोबोट और रोबोट 2 को भी 10 भाषाओं में रिलीज किया गया था। अब जब अल्लू अर्जुन ये चाहते हैं कि पुष्पा 2 को ऑस्कर तक पहुंचाया जाए, तो भाई इस फिल्म को तो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए पुष्पा की टीम रजनीकांत सर की रोबोट से इंस्पायर्ड होकर उनकी राह पर चल सकती है। अभी से ही पुष्पा 2 को बुक माई शो की मच एंटिसिपेटेड फिल्म की लिस्ट में सालार और टाइगर 3 के बाद तीसरे नंबर पर दिखाया जा रहा है, तो इस बात का सबूत है कि सभी पुष्पा 2 के लिए कितने एक्साइटेड है। अभी तो फिल्म को आने में 1 साल बाकी है, लेकिन फिर भी पुष्पा का नाम सबकी जुबा पर है। साथ ही इस साल होने वाले सालार और डंकी के क्लैश की तरह अगले साल पुष्पा 2 और सिंघम अगेन का भी क्लैश होने वाला है, और इस बार रोहित शेट्टी सिर्फ एक सुपर कॉप के साथ नहीं बल्कि उनकी पूरी स्क्वाड के साथ आ रहे हैं, और इस फिल्म के जो बैक टू बैक पोस्टर्स रिलीज किए जा रहे हैं उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसीलिए क्लैश नेक टू नेक होने वाला है, क्योंकि दोनों के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है। तो आपका इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन की मास मसाला फिल्म पुष्पा द रूल अब सारे रूल्स को ब्रेक करने आ रही है। वैसे पुष्पा 2 के मेकर्स काफी चालाक हैं और 2 कदम आगे भी। देखिए ना, जैसे SS राजा मौली कभी कभी अपनी फिल्मों के प्रमोशन से पहले ही पब्लिसिटी पर पैसे खर्च नहीं करते, चैप्टर 2 को लेकर भी मेकर्स ने कुछ ज्यादा खर्चा नहीं किया था, पर पुष्पा 2 के मेकर्स ने किसी की परवाह नहीं की। उन्हें लगता है कि फैंस कहीं पुष्पा को भूल ना जाएं, पर फैंस तो धड़कन फिल्म का सुनील शेट्टी का वो डायलॉग बोलेंगे, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और फिर पुष्पा बोलेगा और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो इसी की वजह से मेकर्स ने एक क्लिप शेयर की वेयर इज पुष्पा कहकर। अब जैसे कि पुष्पा की कहानी 1990s में बेस्ड है ऐसा बताया जाता है, तो इस बार हमें 2004 से 5 के दौरान की कहानी दिखाई जाएगी, क्योंकि जो एक क्लिप शेयर की गई थी उसका माहौल देखकर तो यही लग रहा है। वैसे उस क्लिप में हमें दिखाया गया था कि शेर के सामने पुष्पा खड़ा है और पुष्पा जंगल में कहीं छुप कर बैठा है, पर वो जिंदा है। ये सब कुछ क्या हो रहा होगा?
पुष्पा ने कुछ कांड किया है। अरे भाई पुष्पा कांड ही तो करता है। अब जैसे इंस्पेक्टर शिखावत का इंट्रोडक्शन पार्ट वन में हमें दिखाया गया और वहां पर पुष्पा और उसका क्लैश भी हो गया था, तो उसी के चलते शिखावत ने साजिश करके जेल में डाल दिया होगा और तिरुपति के किसी जेल में पुष्पा को रखा गया होगा जहां से वो भाग गया होगा। अब आप कहेंगे कि पुष्पा तो भगौड़ा निकला। अब उसे भगौड़ा तो नहीं कह सकते क्योंकि इंस्पेक्टर शिखावत भी कोई सीधा साधा दूध का धुला हुआ इंसान तो नहीं है, वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर ही है। तो यहां पर हीरो से लेकर विलन तक सब लोग करप्ट हैं। पर जैसे पुष्पा भाग गया होगा इसकी किसी को कुछ खबर नहीं होगी और फिर अचानक से वो वेयर इज पुष्पा से पब्लिसिटी की गई होगी, तो हाइप बढ़ाने की बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी डायरेक्टर सुकुमार ने अपनाई है। वैसे मेकर्स ने एक पोस्टर भी शेयर किया था जिसमें अल्लू अर्जुन एक अलग ही अवतार में नजर आए, गले में नींबू की माला, चेहरे पेंट किया हुआ, एक गॉडेस की तरह वो लग रहे थे। ये इसलिए ताकि हम दिमाग पर जोर डालें कि इस पोस्टर का कहानी से क्या कनेक्शन है। अब कनेक्शन तो है, पर इस पोस्टर को एंजॉय करते वक्त कुछ बॉलीवुड प्रेमियों ने ये भी कहा कि अगर ये पोस्टर बॉलीवुड वाले शेयर करते तो क्या उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता, क्या ट्रोल नहीं किया जाता। देखो ये पोस्टर ऐसे ही बनाया नहीं गया है, इसका और साउथ इंडिया में मनाए जाने वाले एक जश्न या उत्सव का कोई कनेक्शन है। तो दोस्तों आप कितने जोरों शोरों से इंतजार कर रहे हैं 15 अगस्त 2024 का, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं क्योंकि इसी दिन होने वाली है पुष्पा 2 रिलीज। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। पुष्पा का नाम कोई ना भूल जाए इसलिए फिल्म के मेकर्स ने बाहर निकाला है एक पोस्टर, फिर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, फिर एक पोस्टर, फहाद फाजिल का पोस्टर और आखिर में डेट अनाउंसमेंट करते हुए एक पोस्टर, ताकि साल 2023 में जहां पठान, जवान, गदर 2, एनिमल लियो और सलार न्यूज में बनी रहे वहीं पुष्पा 2 भी बनी रहे। इसे देखकर हम पुष्पा की मार्केटिंग टीम को सिर्फ यही कहना चाहेंगे, यू आर वेरी चलाक ब्रो। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि पुष्पा की कहानी 2 पार्ट्स में ही खत्म हो जाएगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स ये डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टीवर्स ऑफ मैडमैन बना था, वैसे ही पुष्पा का भी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनेगा। पुष्पा 2 में पुष्पा रूल करेगा, उसके बाद पुष्पा 3 में उसका फॉल होगा, यानी पुष्पा का पहले हुआ राइज, उसके बाद उसने किया रूल और फिर उसका हुआ फॉल। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होगी क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही आगे नहीं बढ़ता है, यहां पर आएगा स्पिन ऑफ स्टोरी जो आजकल ट्रेंड में भी है और कोई भी यूनिवर्स स्पिन ऑफ के बिना अधूरा होता है। लेकिन दोस्तों स्पिन ऑफ होता क्या है, इसे समझने के लिए आप सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक किताब की तरह समझ सकते हैं और स्पिन ऑफ को उसके एक सिंगल चैप्टर की तरह। सिनेमैटिक यूनिवर्स के सारे किरदार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अगर एक स्पिन ऑफ यानी फिल्म में किसी किरदार के साथ कुछ होता है तो दूसरी फिल्म में उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अब यहां बात यह आती है कि पुष्पा के सिनेमैटिक यूनिवर्स से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो सबसे पहले तो सिंडिकेट का इतिहास पता चलेगा कि आखिर वो कौन था जिसने इस लाल चंदन के सिंडिकेट को खड़ा कर दिया, उसमें कौन से पॉलिटिशियंस शामिल हैं और वो छाते वाला बंदा कौन है। उसके साथ ही पुष्पा के बाप के बारे में पता चलेगा, मे बी उसका बचपन देखने के मौका मिलने वाला है दोस्तों, और उसमें ऐसा क्या हुआ था कि पुष्पा इतना ज्यादा टफ हो गया, ये भी देखने का मौका मिल सकता है। और वैसे भी पुष्पा के यूनिवर्स में और केजीएफ के यूनिवर्स में ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे कि पुष्पा के आए वीडियो में हमने देखा कि टाइम स्किप हो गया है और कहानी सीधी 2004 में शुरू होती है दोस्तों, और जैसा केजीएफ में भी हुआ था कि साल 1979 से 1981 तक टाइम स्पिन हो गया था और दोस्तों अब उसी पर चैप्टर 3 बन रहा है, तो वैसा ही कुछ पुष्पा के यूनिवर्स में भी होगा और इतने सारे राज खुलेंगे कि हम सब देखते ही रह जाएंगे। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी। पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा की। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। एक तरफ फिल्म को रिलीजियस एंगल देकर ऑडियंस को जीतने की कोशिश की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ 2 मिनट लंबा वीडियो अपलोड करके आखिर में टाइगर को डराता हुआ पुष्पा दिखाया जाता है। इन दोनों बातों पर से दोस्तों एक बात तो साबित हो जाती है कि पुष्पा 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर और इंट्रोडक्टरी टाइप वीडियो दोनों ही पब्लिसिटी स्टंट थे ताकि लोग पुष्पा का नाम ना भूले। लेकिन दोस्तों अगर उन्हें एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देना ही था तो 20 से 30 सेकंड का दे सकते थे जैसे कि पठान का आया था। साथ ही ये वीडियो देखकर पुष्पा 1 और 2 में कोई कनेक्शन ही नहीं नजर आ रहा,
सिर्फ ये समझ आ रहा है कि पुष्पा कभी झुकता नहीं और वो टाइगर को भी झुकाता है। और पॉसिबिलिटी दोस्तों पूरी है कि इस वीडियो में देखे सीन्स मूवी में हो ही ना, जिसे ट्रिपल आर के कैरेक्टर्स के लिए जो इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड किया गया था वो फिल्म का हिस्सा नहीं थे। भाई मास मसाला एक्शन मूवी है ये हम सब जानते हैं, लेकिन फैंस का ऑनेस्ट रिव्यू तो यही है कि वो टाइगर वाला सीन क्रिंजी था, लेकिन पुष्पा है तो चलो हिट है। अब साथ ही जब पुष्पा आई थी दोस्तों तब उसने अपने होमलैंड में कम कमाई की थी। उस वक्त आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टिकट्स को लेकर बहुत बुरा हाल था और डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफी लॉस भी हुआ था। इसके साथ ही दोस्तों पुष्पा के आने के एक दो दिनों के बाद ही वो वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को जो मिलता है वो भी काफी अच्छा नहीं मिला था। अगर इंटरनेट पर पुष्पा का डायलॉग और गाने वायरल नहीं हुए होते तो नॉर्थ बेल्ट में पुष्पा हिट नहीं होती। तो दोस्तों पुष्पा का कलेक्शन कहीं 300 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाता। साथ ही पेंडेमिक भी था और थिएटर्स में 5% ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन फिर भी पुष्पा को नॉर्थ नहीं जिताया क्योंकि इस वक्त बॉलीवुड का बुरा वक्त चल रहा था। वैसे सुकुमार सर की ये पहली फिल्म है जो तेलुगु स्टेट्स में कमर्शियली हिट साबित हुई हो, क्योंकि उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो तेलुगु फिल्मों में जो कुछ रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो नहीं करते, लेकिन उनकी फिल्म्स हमेशा ही काफ़ी अच्छी तरह से लिखी हुई होती हैं और अच्छा नरेशन भी होता है, इसलिए ऑडियंस को उनकी फिल्में काफ़ी पसंद आती हैं। और अब पुष्पा 2 के लिए वो अल्लू अर्जुन के साथ मिलकर काफ़ी तैयारियाँ कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों फिल्म को ऑस्कर तक ले जाया जा सके और साथ ही फिल्म साउथ और नॉर्थ दोनों में ही हिट हो सके कुछ दोस्तों अलग और बड़ा करना होगा। लेकिन फिर भी फैंस का कहना है कि सेम ओल्ड रॉबिनहुड टाइप स्टोरी लाइन लाना जिसमें फिल्म का एंटी हीरो काम बुरे करता है लेकिन लोगों की भलाई करके उनका मसीहा बन जाता है और लोग उसकी आरती उतारने लगते हैं, ये कब तक चलता रहेगा? दोस्तों देखा जाए तो ये सही भी है क्योंकि क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करना एक तरीका है जिसके हिसाब से क्रिमिनल क्राइम करता है, लेकिन अगर लोगों की मदद करता है तो वो क्रिमिनल नहीं देवता बन जाता है। अब आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे आज के राइटर है मनीषा। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की। भाभरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। पुष्पा 2 में साड़ी, कंगन, नेल पॉलिश में अल्लू अर्जुन के लुक की असली कहानी क्या है? पुष्पा 2 से अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ। टेढ़ी गर्दन किए पुष्पराज, नीले रंग में पुता, शरीर पर साड़ी, एक हाथ में पिस्तौल, लेकिन उसी हाथ के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी है, हाथों में छन चमकते गोल्डन कंगन है, गले में कच्चे नींबुओं की माला इस लुक की शोभा बढ़ाने का काम कर रही है। अल्लू अर्जुन का ये लुक चौंकाने वाला था। लोगों ने उम्मीद की थी कि वो अपने सिग्नेचर पोज में दिखेगा, हाथ में बंदूक, बदन पर लुंगी बांधे या फिर दुश्मनों से लड़ रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये लुक चित्तौड़ की गंगम्मा जात्रा से प्रेरित है। क्या है गंगम्मा जात्रा? अब उसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। ये एक फोक फेस्टिवल है जिसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। 7 दिनों तक चलने वाली गंगम्मा जात्रा हर साल मई के महीने में मनाई जाती है। इस दौरान भव्य पूजा की जाती है। कुछ जगह देवी का प्रसाद के रूप में मांसाहारी भोजन चढ़ाया जाता है। 7 में से बीच के 2 दिनों में यात्रा निकलती है जहां पुरुष अपना वेश बदल कर आते हैं, महिलाओं की तरह सज कर, उनकी तरह श्रृंगार कर इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं। संभव है कि पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन का किरदार भी ऐसी यात्रा में हिस्सा ले रहा होगा, तभी उसने ऐसा वेश धरा हो। लेकिन तिरुपति में मनाई जाने वाली गंगम्मा जात्रा की कहानी बिल्कुल विपरीत है। लोग मानते हैं कि किसी जमाने में तिरुपति और आसपास के इलाकों पर पले गुंडेलूर नाम का एक आदमी राज करता था। एकदम दुष्ट, दुराचारी किस्म का आदमी, महिलाओं पर अत्याचार करता, उनके साथ दुर्व्यवहार करता। ऐसे समय में अविलल नाम के एक गांव में देवी का जन्म हुआ। वो देवी बड़ी होने पर एक सुंदर महिला बनी। पले गोंडलू की नजर उन पर पड़ी, उसने उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। देवी ने बदले में उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो बच निकला, जाकर किसी अज्ञात स्थान में छुप गया। उसे बाहर निकालने के लिए देवी ने एक यात्रा का आयोजन किया। तिरुपति के लोग विचित्र वेश धर कर बाहर निकलते, गंगम्मा को कोसते। इस यात्रा में 7वें दिन पले गुंडुलू बाहर आ गया। जिसे ही वो बाहर आया तभी गंगम्मा देवी ने उसे मार डाला। अगर पुष्पा 2 में पुष्पा राज यात्रा में हिस्सा लेता है तो मुमकिन है कि अपने किसी दुश्मन को मारने के लिए ही ऐसा करेगा। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं पुष्पा 2 के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राज स्टूडियोज। पुलिस के हाथों
पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। जिसमें वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि स्टार्स की लाइफ कितनी कूल एंड हैपनिंग होती है, वो जो चाहे खा पी सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। वो काफी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और उन्हें कई सारे रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, और तभी तो वो अपने काम को अच्छी तरह से कर पाते हैं और किसी भी एज में फिट रह पाते हैं। ऐसे ही हमारे पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन भी एक फिटनेस फ्रीक है, और हमें पुष्पा फिल्म में वो काफी मास्कुलिन और फिट नजर आए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे बनी रियल लाइफ में फिटनेस फ्रीक है? अगर हम उनके वर्कआउट रूटीन की बात करें तो वो अपने दिन की शुरुआत 45 मिनट्स के ट्रेडमिल रन के साथ करते हैं, और साथ ही एक वीक में 7 से 8 बार एक्सरसाइजेस करते हैं। लेकिन जब भी लेजी फील करते हैं तब 4 से 5 बार वर्कआउट जरूर करते हैं। उन्हें कैलिस्थेनिक्स करना पसंद है। ये एक ऐसा वर्कआउट फॉर्म है जिसमें किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है, और उसमें पुशअप्स, पुलअप्स, चिनअप्स, डिप्स, जंप्स, स्क्वाट्स, क्रंचेस और जंपिंग रोप जैसे एक्सरसाइजेस इंक्लूडेड हैं। साथ ही वो अपने वर्कआउट को फन वे में करने के लिए कभी कभी साइकिलिंग भी करते हैं। अगर हम उनकी डाइट की बात करें तो वो ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स ही लेते हैं। हमारे बनी भी स्वीट लवर हैं, और अपनी स्वीट क्रेविंग्स के लिए कभी कभी वो चॉकलेट्स खा लेते हैं। अल्लू अर्जुन का फिटनेस मंत्र है स्ट्रिक्ट बॉडी वर्कआउट विद लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन्स, और इस रूटीन के साथ साथ वो पुष्पा 2 के लिए अलग वर्कआउट सेशन कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन सिर्फ एक फिट और एनर्जेटिक एक्टर ही नहीं है, साथ ही उनका एक निकनेम स्टाइल आइकन भी है, और वो साउथ के मोस्ट स्टाइलिश स्टार माने जाते हैं। अगर हम उनके स्टाइल इवोल्यूशन की बात करें तो उनके 17 सालों के करियर में वो काफी इवोल्यूट हुए हैं। उनके कपड़ों से लेकर उनके हेयर स्टाइल तक हम काफी बदलाव देख सकते हैं। अल्लू का मानना है कि हमें ऐसे ही कपड़े चूज करने चाहिए जो काफी कंफर्टेबल हो, और वो खुद भी हमेशा एक कैजुअल बट डैशिंग लुक कैरी करते हुए नजर आते हैं। उनके ब्रिलियंट एक्टिंग, फ्रेश डांस मूव्स, एफर्टलेस स्टाइल और ऊपर से उनकी ब्यूटीफुल स्माइल, सब कुछ मिलाकर उन्हें एक स्टाइलिश आइकन बनाती है, और उनके फैंस को भी उनका स्टाइल काफी ज्यादा पसंद है और वो उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। पुष्पा 2 के बाद दोस्तों उनका एक अलग ही स्टाइल डिस्कवर हुआ है, और उनके इस रफ लुक को भी सभी ने काफी ज्यादा पसंद किया है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की। भाभरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा की कुछ कपड़े बरामद किए। खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। पुष्पा 2 में साड़ी, कंगन, नेल पॉलिश में अल्लू अर्जुन के लुक की असली कहानी क्या है? पुष्पा 2 से अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ। टेढ़ी गर्दन किए पुष्पराज, नीले रंग में पुता, शरीर पर साड़ी, एक हाथ में पिस्तौल, लेकिन उसी हाथ के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी है। हाथों में छन चमकते गोल्डन कंगन है, गले में कच्चे नींबुओं की माला इस लुक की शोभा बढ़ाने का काम कर रही है। अल्लू अर्जुन का ये लुक चौंकाने वाला था। लोगों ने उम्मीद की थी कि वो अपने सिग्नेचर पोज में दिखेगा, हाथ में बंदूक, बदन पर लुंगी बांधे, या फिर दुश्मनों से लड़ रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये लुक चित्तौर की गंगम्मा जात्रा से प्रेरित है। क्या है गंगम्मा जात्रा, अब उसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। ये एक फोक फेस्टिवल है जिसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। 7 दिनों तक चलने वाली गंगम्मा जात्रा हर साल मई के महीने में मनाई जाती है। इस दौरान भव्य पूजा की जाती है। कुछ जगह देवी का प्रसाद के रूप में मांसाहारी भोजन चढ़ाया जाता है। 7 में से बीच के 2 दिनों में यात्रा निकलती है, जहां पुरुष अपना वेश बदल कर आते हैं, महिलाओं की तरह सज कर, उनकी तरह श्रृंगार कर इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं। संभव है कि पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन का किरदार भी ऐसी यात्रा में हिस्सा ले रहा होगा, तभी उसने ऐसा वेश धरा हो। लेकिन तिरुपति में मनाई जाने वाली गंगम्मा जात्रा की कहानी बिल्कुल विपरीत है। लोग मानते हैं कि किसी जमाने में तिरुपति और आसपास के इलाकों पर पले गुंडेलू नाम का एक आदमी राज करता था। एकदम दुष्ट, दुराचारी किस्म का आदमी, महिलाओं पर अत्याचार करता, उनके साथ दुर्व्यवहार करता। ऐसे समय में अविलल नाम के एक गांव में देवी का जन्म हुआ। वो देवी बड़ी होने पर एक सुंदर महिला बनी। पले गुंडेलू की नजर उन पर पड़ी, उसने उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। देवी ने बदले में उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो बच निकला, जाकर किसी अज्ञात स्थान में छुप गया। उसे बाहर निकालने के लिए देवी ने एक यात्रा का आयोजन किया। तिरुपति के लोग विचित्र वेश धर कर बाहर निकलते, गंगम्मा को कोसते। इस यात्रा में 7वें दिन
पले गुंडूलू बाहर आ गया। जिसे ही वो बाहर आया तभी गंगम्मा देवी ने उसे मार डाला। अगर पुष्पा 2 में पुष्पा राज यात्रा में हिस्सा लेता है तो मुमकिन है कि अपने किसी दुश्मन को मारने के लिए ही ऐसा करेगा। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं पुष्पा 2 के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राज स्टूडियोज। भाई रिलीज डेट अनाउंस करते ही पुष्पा के मेकर्स ने बहुत बड़ा क्लैश कैसे मोल लिया। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 की रिलीज डेट आ गई है। इस फिल्म के मेकर्स ने वही वीकेंड चूज किया है जिस पर गदर 2 रिलीज हुई थी। ये फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घरों में लगेगी। इस रिलीज डेट की अनाउंसमेंट के साथ ही पुष्पा 2 के मेकर्स ने बड़ी क्लैश मोल ली है, क्योंकि इसी दिन अजय देवगन रोहित शेट्टी की सिंगम 3 रिलीज होने वाली है। पुष्पा 2 के मेकर्स ने रिलीज डेट अनाउंस करने के लिए फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया। इसमें अल्लू अर्जुन ने पर्पल कलर की कमीज पहनी हुई है, उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ उनका हाथ दिख रहा है, जिसमें उन्होंने 3 सोने की अंगूठियां पहनी हुई हैं और कानी उंगली पर नेल पेंट लगा हुआ है और खून के कुछ छींटे नजर आ रहे हैं। दूसरे हाथ से संभवतः वो सिगरेट पी रहे हैं, उसी के धुएं से उनका चेहरा छुपा हुआ है। पोस्टर पर सबसे ऊपर बोल्ड लेटर्स में फिल्म की रिलीज डेट लिखी हुई है। पुष्पा 2 के इस पोस्टर को देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने पुष्पराज के किरदार के साथ कुछ अलग करने की कोशिश की है। शायद उस कैरेक्टर को थोड़ा फेमिनिन टच दिया गया है या कुछ और एंगल भी हो सकता है। पहले तैयारी थी कि पुष्पा 2 को 2022 में रिलीज किया जाएगा, क्योंकि फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी, तभी KGF 2 रिलीज हुई। उसके बाद मेकर्स ने पुष्पा 2 को दोबारा से शूट किया। शायद पुष्पा 2 के कुछ हिस्से KGF 2 से मिलते जुलते थे। हालांकि बाद में फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि KGF 2 की वजह से उन्होंने अपनी पिक्चर रीशूट नहीं की है। वो चाहते थे कि दर्शकों को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाए, इसलिए उन्होंने फिल्म के सभी सीक्वेंस को फ्रेश तरीके से फिल्माया। बताया जा रहा है कि पुष्पा 2 के अधिकतर हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है, मगर काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मेकर्स किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने फिल्म को पूरा करने के लिए बकायदा 1 साल का समय लिया है। वो अपनी पिक्चर 15 अगस्त 2024 को रिलीज करेंगे। 15 अगस्त को गुरुवार पड़ रहा है, ऐसे में फिल्म को 4 दिन का लंबा एक्सटेंडेड वीकेंड मिल जाएगा। दिक्कत ये है कि इसी तारीख के लिए रोहित शेट्टी की सिंगम 3 भी शेड्यूल्ड है। रोहित बता चुके हैं कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। इस बड़े बजट और भयंकर स्केल पर बनाया जा रहा है, प्लस उन्होंने अपनी पिक्चर में तकरीबन आधी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कास्ट कर लिया है। सिंगम 3 में अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। ये तो प्राइमरी रिकास्ट हो गई, बाकी रोहित शेट्टी की कॉमेडी गैंग भी इस फिल्म का हिस्सा होगी। वहीं पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल तो होंगे ही, उनके साथ साई पल्लवी, जगपति बाबू और प्रकाश राज भी जुड़ेंगे। पुष्पा द राइस के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। वो ये अवार्ड पाने वाले पहले तेलुगु एक्टर हैं। खैर, पुष्पा 2 को रंगस्थलम फेम सुकुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। आप कौन सी मूवी देखने जाएंगे, पुष्पा 2 या सिंगम 3, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राज स्टूडियोज। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अब मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ तुझे मारने के बाद करूंगा। सब मैनेजर।
फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। पुष्पा द रूल से अल्लू अर्जुन का अलग और डबल रोमांचित करने वाला किरदार देखने को मिलेगा। पुष्पा द रूल में दर्शकों को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में पुष्पा ने शिखावत को धमकी दी थी कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उसकी कोई नहीं सुनेगा, ना उसकी इज्जत करेगा। वहीं दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा जिसमें देखने को मिलेगा कि गांव वालों का भला करने वाला पुष्पा को पुलिस के जरिए जेल में डालने जाने और फिर उस पर गोलियां बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा। पूरा गांव पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, पुष्पा के लिए मोर्चा खोला जाएगा और चारों तरफ दंगे होंगे। पुष्पा द रूल में भी अल्लू अर्जुन की रश्मिका मंदाना संग जोड़ी जमेगी। दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली एक बच्चे की मां बनेगी। इतना ही नहीं, पुष्पा अपने दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेगा जिसके बाद चारों ओर उसके नाम की तूती बोलेगी। वहीं जॉली रेड्डी जो पहले पार्ट में लगभग मौत के मुंह में पहुंच गया था पूरी फुर्ती के साथ वापसी करेगा। इस मूवी में शीनू की पत्नी दक्षायणी उर्फ अंशुया भारद्वाज भी अपना दमखम दिखाएंगी। एक्शन ड्रामा फिल्म पुष्पा द राइज साल 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनकर उभरी। इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। याद हो कि इस फिल्म में श्रीवल्ली, सामी सामी और ऊ अंटवा जैसे ट्रैक बड़े पैमाने पर चार्ट बस्टर्स के रूप में उभरे। वहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इन सुपरहिट गानों की सीक्वल की भी बात आती है तो फैंस इससे काफी उम्मीद रखते हैं। डीएसपी पुष्पा द रूल के लिए ट्रैक तैयार करने के लिए लौटे हैं। इसी को लेकर संगीतकार ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म के कुछ गाने पहले ही तैयार कर लिए हैं। वहीं इसके लिए खुद के उत्साह को शब्दों में साझा करते हुए डीएसपी ने कहा, हर कोई पुष्पा 2 फिल्म और उसके संगीत का इंतजार कर रहा है। मैं वास्तव में उस प्यार के लिए शुक्रगुजार हूं जो सभी ने हम पर बरसाया है। जिस तरह से निर्देशक सुकुमार सर ने कहानी लिखी है वो अद्भुत है। हम हमेशा की तरह इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। डीएसपी ने पुष्पा के सम्मान था रूथ प्रभु के विवादित लेकिन चर्चित गाने ऊ अंटवा के दूसरे पार्ट में रिप्राइज को लेकर कहा, हम पुष्पा 2 में उंटवा के किसी भी रिप्राइज को नहीं देख रहे हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, बहुत सरप्राइज पर काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई फिल्म और उसके एम्बलम को। पुष्पा क्या 500 करोड़ी फिल्म बन पाएगी? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। पुष्पा द राइज ने हिंदी बाजार में करीब 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया। पुष्पा फिलहाल ओटीटी पर रिलीज हो चुकी लेकिन अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सिलसिला जारी। पुष्पा के गाने और संवाद सब कुछ काफी हिट रहा। पुष्पा को हिंदी वर्जन में रिलीज करने के पीछे गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स के डायरेक्टर मनीष शाह का हाथ, जिन्होंने इस फिल्म का राइट खरीदे और फिर हिंदी में रिलीज किया। साउथ की इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में काफी पसंद किया गया और पूरा देश पुष्पा 2 के आने का इंतजार कर रहा है। हाल ही में मनीष शाह ने एक इंटरव्यू में पुष्पा 2 की रिलीज डेट से लेकर शूटिंग शेड्यूल को लेकर जवाब दिए। दिए गए इंटरव्यू में मनीष शाह ने कहा कि पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। पहले दिन अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने सिर्फ 3.33 करोड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था लेकिन क्रिसमस के बाद इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर तेज रफ्तार पकड़ी और आज ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा छूने में कामयाब हुई। मनीष शाह ने पुष्पा 2 की रिलीज को लेकर पूरा हिसाब किताब समझाया कि आखिर इस फिल्म को रिलीज होने में कब और कितना समय लगेगा। उन्होंने साफ कर दिया कि पुष्पा 2 इस साल रिलीज नहीं हो पाएगी, इस लंबी फिल्म की शूटिंग में समय लगेगा। उन्होंने बताया कि पुष्पा 2 की शूटिंग करीब 250 दिन तक चलेगी। पुष्पा के पहले भाग की शूटिंग 210 दिन तक चली। साल 2023 तक पुष्पा 2 रिलीज हो। क्या प्रभास की बाहुबली द कंक्लूजन का रिकॉर्ड पुष्पा 2 तोड़ पाएगी? इस पर मनीष शाह ने कहा कि बाहुबली के पहले पार्ट ने 120 करोड़ की कमाई और पुष्पा ने 350 करोड़ कमाए। दोनों के बीच का जो अंतर है वो खत्म हो चुका है और पुष्पा बाहुबली से आगे जा चुकी है। अब ये देखना है कि आप पुष्पा 2 बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी। लोगों का तो ये मानना है कि जो पुष्पा 2 रिलीज होगी तो वो फ्लोर पर 500 करोड़ नहीं बल्कि 1000 करोड़ तक का बिजनेस कर सकते। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप
पुष्पा 2 1000 करोड़ की फिल्म बनेगी। फिर कब रिलीज होने जा रही है अल्लू अर्जुन की पुष्पा? आखिर रिलीज से पहले किसने इसे देख लिया है? क्या वाकई ये KGF को टक्कर देने को तैयार है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों, पुष्पा के लिए फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और अब इसका जो काम है वो आगे भी बढ़ चुका है और एक साउथ की सुपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधा भाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये KGF को टक्कर देगी, वो भी करारी वाली। आपको बता दें, ये एक्टर है मुची बाबू। इन्होंने सुपरहिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लाइमलाइट हासिल की थी और बॉक्स ऑफिस को हिलाकर भी दिया था। मीडिया से बात करते हुए बुच्ची बाबू ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है, इसका पहला भाग देख लिया है, अब इसके दूसरे भाग की एडिटिंग चल रही है। लेकिन बुच्ची के अनुसार पहले भाग को ही देखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 KGF के बराबर है। फिल्म में अल्लू अर्जुन का किरदार माइंड ब्लोइंग है, वहीं रश्मिका मंदाना भी अहम रोल में नजर आने वाली है। फिल्म के मेकर्स पुष्पा का बचा हुआ पार्ट अगले 2 हफ्तों में पूरा कर लेंगे। मेकर्स पुष्पा को इस साल के अंत में रिलीज करने का सोच रहे हैं। मुची बाबू की माने तो अल्लू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तैयार है। अगर बात KGF की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीज होना है। फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बुच्ची बाबू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं, मतलब कि जैसा उन्होंने कहा वैसा होता है कि नहीं। क्योंकि KGF के पहले भाग को हर भाषा के दर्शकों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। अगर बुच्ची बाबू ने पुष्पा की सीधी तुलना KGF से की है तो दर्शकों की उम्मीदें जो है वो बढ़ना लाजमी है, क्योंकि KGF का भी अलग ही स्वैग है, उसका दूसरा पार्ट आने वाला है और लोग जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर मोस्ट अवेटेड फिल्म बोला जाए तो KGF है, तो ऐसे में अगर पुष्पा रिलीज होती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये KGF को टक्कर दे पाएगी। साउथ के दो बड़े स्टार भिड़ेंगे, एक तरफ अल्लू अर्जुन होंगे, दूसरी तरफ यश होंगे, और यश ने तो ऑलरेडी एक ट्रेलर रिलीज कर दिया है KGF का जो कि धांसू है, तो कांटे की टक्कर होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपको कितना वेट है पुष्पा का और क्या लगता है अगर पुष्पा और रश्मिका मंदाना से क्यों हुई ऑडियंस खफा? क्यों रश्मिका मंदाना की कही एक बात में उन्हें नेटिजंस का निशाने पर खड़ा कर दिया गया है। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीवुड स्टूडियोज में। पुष्पा इंडिया की अपकमिंग पैन इंडिया बजट फिल्म एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके लिए ऑडियंस बेहद ही एक्साइटेड है। एक तो बाहुबली और KGF के बाद फिर उन्हें साउथ इंडस्ट्री की तरफ से हाई ऑन एंटरटेनमेंट की सौगात मिलने वाली है। ऊपर से फिल्म के लीड रोल कोई और नहीं बल्कि साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन है। इसके अलावा इंडिया की प्रेजेंट क्रश द क्यूटी रश्मिका मंदाना भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आने वाली है। जाहिर है एक्साइटमेंट का लेवल सातवें आसमान पर होने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि मंदाना की इस गलती के बारे में जो शायद इस पूरी फिल्म के लिए खतरा बन सकती है, तो क्या है वो? दरअसल कुछ साल पहले जब रश्मिका के करियर उड़ान के लिए पंख फैला ही रहा था, तब एक इंटरव्यू में उनसे इंडस्ट्री के सबसे बड़े शो ऑफ का नाम पूछा गया। काफी झिझकते हुए उन्होंने नाम लिया KGF एक्टर रॉकिंग स्टार यश का। फिर क्या था, यश की फैंडम ने भारी मात्रा में उन्हें कमेंट्स ट्रोल्स करना शुरू कर दिया। उनके इसके नाम से पूरे मीडिया को हिलाकर रख दिया। आखिर में हार कर खुद रश्मिका ने यश के फैंस को एड्रेस करते हुए लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी के डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अपने फैंस से ये सब तुरंत रोकने को कहा था। उन्होंने कहा कि वो रश्मिका एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं और किसी को भी किसी के भी बारे में ओपिनियंस रखने की पूरी आजादी है, इसके उनके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी रश्मिका को उनके नाम पर हैरेस करे। ये सब कहा KGF स्टारर यश ने। आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो पुरानी हो गई है, लेकिन अब जब रश्मिका और यश दोनों ही स्टारडम की ऊंचाइयों पर है तो अक्सर उनसे जुड़ी खबरें यूं ही सरफेस पर आती रहती है। ऐसे में कई अतीत में रश्मिका के मुंह से निकली ये एक बात उनके आज पर असर ना डाल दे। वैसे भी आजकल पुराने ट्वीट्स और कमेंट्स का करियर पर असर पड़ने का ट्रेंड चल रहा है। खैर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या पुष्पा की सक्सेस पर भी असर डाल सकता है ये फिर फिल्म बिना चुका है और एक साउथ की सुपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधा भाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये KGF को टक्कर देगी, वो भी करारी वाली। आपको बता दें, ये एक्टर है मुची बाबू। इन्होंने सुपरहिट साउथ इंडियन फिल्म
उपेन से लाइमलाइट हासिल की थी और बॉक्स ऑफिस को हिलाकर भी किया था। वहीं मीडिया से बात करते हुए बुच्ची बाबू ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है, इसका पहला भाग देख लिया है, अब इसके दूसरे भाग की एडिटिंग चल रही है। लेकिन बुच्ची के अनुसार पहले भाग को ही देखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 KGF के बराबर है। फिल्म में अल्लू अर्जुन का किरदार माइंड ब्लोइंग है, वहीं रश्मिका मंदाना भी अहम रोल में नजर आने वाली है। फिल्म के मेकर्स पुष्पा का बचा हुआ पार्ट अगले 2 हफ्तों में पूरा कर लेंगे। मेकर्स पुष्पा को इस साल के अंत में रिलीज करने का सोच रहे हैं। बुच्ची बाबू की माने तो अल्लू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तैयार है। अगर बात KGF की करें तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीज होना है। फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बुच्ची बाबू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं, मतलब कि जैसा उन्होंने कहा है वैसा होता है कि नहीं। क्योंकि KGF के पहले भाग को हर भाषा के दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। अगर बुच्ची बाबू ने पुष्पा की सीधी तुलना KGF से की है तो दर्शकों की उम्मीदें जो हैं वो बढ़ना लाजमी है, क्योंकि KGF का भी अलग ही स्वैग है, उसका दूसरा पार्ट आने वाला है और लोग जो हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मोस्ट अवेटेड फिल्म बोला जाए तो KGF है। तो ऐसे में अगर पुष्पा रिलीज होती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये KGF को टक्कर दे पाएगी। साउथ के दो बड़े स्टार भिड़ेंगे, एक तरफ अल्लू अर्जुन होंगे, दूसरी तरफ यश होंगे। और यश ने तो ऑलरेडी एक ट्रेलर रिलीज कर दिया है KGF का, जो कि धांसू है। तो कांटे की टक्कर होने वाली है दोस्तों। आपको क्या लगता है, आपको कितना वेट है पुष्पा का, और क्या लगता है अगर पुष्पा और KGF की भिड़ंत होगी तो कौन आगे निकलेगा? क्या एक झूठ पड़ जाएगा पुष्पा के पीछे हो रही लाख मेहनत पर भारी? तो हाय गाइस, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीकैट स्टूडियोज में। तो चलिए बिना ज्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब वो दिन चले गए जब फिल्मों की पॉपुलैरिटी को केवल उनकी इंडस्ट्रीज में नापा जाता था। अब उन्हीं फिल्मों को मोस्ट अवेटेड का टाइटल मिलता है, जिनका इंतजार कोई तेलुगु, कन्नड़ा या बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं बल्कि होल इंडिया के फैंस कर रहे होते हैं। और इन फिल्मों में पिछले कुछ समय से साउथ इंडस्ट्री ने लीडिंग पोजीशन हासिल कर रखी है। इन्हीं मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म पुष्पा, जिसके बारे में हर नई खबर फैंस के लिए फिल्म की एक्साइटमेंट को 4 गुना बढ़ा देती है। लेकिन कहीं अल्लू अर्जुन पर लग रहे इन इल्जामों से पूरी मेहनत पर पानी न फिर जाए, तो आखिर क्या है पूरा मामला? जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस कंट्रोवर्शियल कहानी की शुरुआत होती है एक ट्वीट और एक अनाउंसमेंट से। वैसे तो अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए ये एक बेहद सुखद घोषणा थी, लेकिन शायद खुद अल्लू के लिए ये इतनी लकी नहीं रही। दरअसल साउथ के फेमस प्रोड्यूसर बनीवास और अल्लू अर्जुन काफी अच्छे दोस्त हैं। हाल ही में बनीवास का बर्थडे मनाने अल्लू मुंबई गए थे, जहां वास किसी काम में बिजी थे। ये वाकई उनके लिए एक हार्ट वार्मिंग सरप्राइज था, जो कि कुछ ही समय में अल्लू के फैंस के लिए इतना बड़ा शौक बन गया। एक्चुअली वास ने अल्लू की कुछ अपकमिंग फिल्मों की अनाउंसमेंट की, जिसमें पुष्पा, वेणु श्रीराम की आइकन पुष्पा 2, बोयापति श्रीनु डायरेक्टेड फिल्म पोराटाला सिवा की फिल्म और AR मुरुगा डॉस के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्टर के पास इतनी फिल्में होना तो खुशी की बात है, लेकिन इस अनाउंसमेंट ने एक्टर को मुसीबत में डाल दिया। पहला कारण तो ये कि एक्टर्स अक्सर अपनी फिल्मों की अनाउंसमेंट यूं नहीं करते हैं, अनलेस उन पर काम जल्द ही शुरू होने वाला हो या हो चुका हो। प्लस इस लिस्ट में AR मुरुगा डॉस की फिल्म भी शामिल है, जिसे अल्लू ने पिछले साल ही रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद इसके लिए राम पोथिनेनी को अप्रोच किया गया था। अब पूरा सिने वर्ल्ड और मीडिया इस अनाउंसमेंट के पीछे के मकसद को जानना चाहता है कि क्या ये प्रोड्यूसर्स को एक्टर की अवेलेबिलिटी के बारे में बताने के लिए एक स्टंट था, या फिर बाकी एक्टर्स को कंपटीशन देने के लिए, जिनकी अपकमिंग फिल्मों की लाइन काफी लंबी है। अब डर तो यही है कि कहीं इस स्टंट का अल्लू के करियर पर बुरा असर ना पड़े और लोग उन्हें लाइमलाइट और दिखावे के लिए डेस्परेट ना समझे। तो चलिए आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये अनाउंसमेंट सिर्फ एक एक्साइटेड और सपोर्टिंग फ्रेंड की मिस्टेक थी या एक प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज्ड एजेंडा?
अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बाहुबली के ग्रैंडर और उसके बाद KGF की सुनामी के बाद अब ऑन स्क्रीन पुष्पा उतर रही है अपना कहर जमाने। पुष्पा डायरेक्टर सुकुमार द्वारा निर्देशित मूवी है जिसको एक पैन इंडिया रिलीज मिलने वाली है। और खास बात यह है कि इस मूवी के लीड रोल में हमको अल्लू अर्जुन नजर आने वाले हैं। वैसे तो अल्लू अर्जुन का फैन बेस इंडिया में काफी समय से पूरे भारत भर में फैला हुआ है, लेकिन हाँ, इसका हाईएस्ट प्रपोर्शन साउथ के दर्शकों को जाता है। और शायद इसी प्रपोर्शन और इसी रेशियो को चेंज करने के लिए अब फाइनली अल्लू अर्जुन अपनी पैन रिलीज लेकर तैयार है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि साउथ के एक्टर प्रभास को क्या अल्लू अर्जुन टक्कर दे पाएंगे? बात दरअसल ये है कि अल्लू अर्जुन को प्रभास के बराबर आने के लिए प्रभास के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब मैं जानती हूँ आप काफी कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपकी कंफ्यूजन दूर होती जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी दोस्त मीनाक्षी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया रिलीज वाली मूवी पुष्पा के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पुष्पा रेड सैंडलवुड के स्मगल की कहानी होने वाली है, जिसमें अल्लू अर्जुन काफी खास किरदारों में नजर आने वाले हैं। जहाँ एक तरफ वो एक लॉरी ड्राइवर बाय प्रोफेशन होंगे, वहीं पर वो एक स्मगलर बाय क्राइम होंगे। और इसीलिए मूवी का ज्यादातर पार्ट उनको पकड़ने में और उनके छुपने और भागने के लाजवाब तरीकों को दिखाने में ही निकल जाएगा। अब खास बात यह है कि बॉक्स ऑफिस पर बाकी कंपटीशन और क्रिटिसिज्म के साथ साथ उनको एक बहुत बड़ी टक्कर मिलने वाली है प्रभास की मूवी सलार से। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पुष्पा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन क्रिटिसिज्म या बॉक्स ऑफिस पर आई और कोई मूवी नहीं बल्कि प्रभास की सलार से होने वाला है। इन दोनों फिल्मों के बीच में काफी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन हैं। पहली बात तो ये कि दोनों के दोनों साउथ के बहुत फेमस एक्टर्स हैं और बॉलीवुड में अपना नाम जमाने की कोशिश में हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सामने आती है कि दोनों की मूवी साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, लेकिन सिमिलैरिटीज की लंबी लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल दोनों मूवीज की शूटिंग तेलंगाना में हुई है और तेलंगाना के एक ऐसे जगह पर जहाँ पर उसको कोल माइन कहा जाता है। अब पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं कि पुष्पा एक स्मगलर से जुड़ी कहानी है, लेकिन क्योंकि शूटिंग फिल्म की कोल सिटी जैसी जगह पर हो रही है तो हम लोग ये गैस लगा रहे हैं कि शायद सलार में भी हमको कुछ ना कुछ स्मगलिंग से रिलेटेड ज़रूर मिल जाए। अब अगर वहीं बात करें सिर्फ इन दोनों फिल्मों के बारे में, तो अभी KGF भी ऐसी है जो कि गोल्ड पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, अब ऐसा नजर आता है कि फाइनली फिल्म के मेकर्स मुझे दुनिया पर राज करना है वाली थ्योरी और वाले ओपिनियन से निकलकर रियलिटी को हिट कर रहे हैं और अब जाकर ऐसी मूवीज बना रहे हैं जिनमें एक्चुअली मरना मारना जायज लगेगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म की रिलीज कैसे रहेगी और बॉक्स ऑफिस पर वो कितनी टक्कर दे पाती है प्रभास की मूवी सलार को। और अगर ऐसा है तो हमको लगता है कि उनको प्रभास से ज़्यादा हिट करना पड़ेगा अपनी मूवी को, ताकि वो प्रभास वाले स्टैंडर्ड पे करंटली आ सकें। अब सिर्फ इतना ही नहीं, खास बात ये भी है कि ऑडियंस अब हीरोज को सिर्फ हीरो के कैरेक्टर में नहीं देखना चाहती। उन लोगों को पसंद आता है कि अगर नेगेटिव कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने का मौका मिले। और सबसे खास बात यही है कि तीनों मूवीज में कहीं ना कहीं ये तीनों नेगेटिव कैरेक्टर होने वाले हैं जिनके एक्सप्लोरेशन के ऊपर ही मूवी घूमने वाली है। अब इतनी सारी सिमिलैरिटीज और आसपास की रिलीज डेट, तो देखना होगा कि किस मूवी को कैसा ओपिनियन मिलता है लोगों से और दर्शक किसको देते हैं बेस्ट स्मगलर का ताज। तो दोस्तों, आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कैसे एक बार फिर पुष्पा ने ली KGF से इंस्पिरेशन? क्या है फिल्म की नई अपडेट पर फैंस का रिएक्शन? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में।
पुष्पा अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है, जिसमें लॉरी ड्राइवर बने अल्लू अर्जुन रेड सैंडलवुड की तस्करी करते हुए नजर आने वाले हैं। सुकुमार डायरेक्टेड इस फिल्म में हमें पहली बार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी को एक साथ देखने को मिलेगा। अल्लू की दूसरी फिल्मों से बिल्कुल अलग, जहां उनके डैशिंग हैंडसम अवतार में पेश होने की वजह से और उनके लुक्स की वजह से थिएटर्स में टिकट बिकती हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है टिकट्स बिकने का। इस बार उन्हें रगेड अवतार में दिखाया जाएगा, जो उनके चोर किरदार को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। लेकिन शायद इतनी खबरों से उभरी एक्साइटमेंट मेकर्स के लिए काफी नहीं थी कि अब उन्होंने एक और हाई लेवल एक्साइटमेंट का तड़का फिल्म में डाल दिया है। क्या और कौन, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। हम बात कर रहे हैं फिल्म से रिसेंटली जुड़े एक्टर फहाद फाजिल की। अगर आप अल्लू अर्जुन या फिर रश्मिका मंदाना के डाई हार्ट फैन हैं, तो आप उनकी पुष्पा से जुड़ी हर अपडेट तो फॉलो करते ही होंगे और आपको फिल्म में हुई इस न्यू इंक्लूजन का भी पता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फहाद फाजिल का इस फिल्म से जुड़ना इतना स्पेशल क्यों है? वेल, इसका जवाब तो फिल्म के ऑफिशियल चैनल के रिलीज हुए वीडियो में ही मिल जाता है, जिसमें फहाद को नेशनल अवार्ड विनर और पावर हाउस ऑफ मॉलीवुड के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि फहाद फाजिल को इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ एक फेस ऑफ के लिए लाया गया है, लेकिन सुकुमार इसमें प्रशांत नील वाली गलती नहीं करना चाहते, जिनकी ब्लॉकबस्टर केजीएफ में गरुड़ा के वेरी इंटिमिडेटिंग अपीयरिंग किरदार को सिर्फ रॉकी के एक बार में ही मर जाने के लिए रखा गया था। इसीलिए वो किसी ऐसे एक्टर की खोज में थे जिनके साथ ऑडियंस को सिर्फ फेस ऑफ ही नहीं बल्कि बिगेस्ट एवर फेस ऑफ देख पाने का थ्रिल आए, और ये कोशिश काफी कामयाब होती भी नजर आ रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये इस न्यूज से इम्प्रेस्ड फैंस का मानना है। उनका कहना है कि फाजिल और अल्लू अर्जुन का कोलैबोरेशन, वो भी सुकुमार के डायरेक्शन में, इससे बेहतर तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। वहीं एक और फैन ने कहा कि फहाद अपनी आंखों से भी एक्टिंग कर सकते हैं। अल्लू अर्जुन के फैंस वाकई लकी हैं कि उन्हें इन दो सितारों की टक्कर देखने को मिलने वाली है। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप इन दोनों की टक्कर को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और अगर आपको है पुष्पा और केजीएफ के बीच कौन होगा इस रेस का अल्टीमेट विनर। पुष्पा अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है, जिसका डायरेक्शन सुकुमार कर रहे हैं। इस फिल्म में नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना को एज लीडिंग लेडी का कास्ट किया गया है। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में जितना क्रेज है उतना ही तनाव भी है। तनाव इसका कि केजीएफ सीरीज के बीच जंग के विजेता का फैसला करने का। जी हाँ, दोनों फिल्मों के बीच कई कॉमन पॉइंट्स तो ऑलरेडी दर्शकों के सामने रखे जा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर क्यों इन दोनों के तकरार को लोगों ने देखा? जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमने अपने पिछले ही वीडियो में आपको पुष्पा से जुड़ी एक अहम खबर दी थी कि इस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करने की जिम्मेदारी वेरी पॉपुलर एंड सक्सेसफुल म्यूजिक कंपोजर देवी शंकर प्रसाद के कंधों पर डाली जा चुकी है, जिन्होंने इसका पहला गाना तैयार भी किया था, जो खबरों के अनुसार सुकुमार और अल्लू अर्जुन के बेहद पसंद आया था, और गाना जुलाई के फर्स्ट वीक में ही दर्शकों के लिए रिलीज किया जाएगा। लेकिन मुसीबत ये है कि गाने से फिर एक बार केजीएफ फैंस और पुष्पा फैंस आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि केजीएफ की सक्सेस के पीछे म्यूजिक कंपोजर रवि बसरूर का स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन था, जिनकी कॉम्पोजिशन ऑडियंस को इतने पसंद आए कि हर 5 मिनट में एक आदमी का रिंगटोन में कोई ना कोई केजीएफ का सॉन्ग हमें सुनने को मिल ही जाता था। अब इस अनाउंसमेंट में कारण लोग इसे डीएसपी वर्सेस बसरूर की तकरार के तौर पर देख रहे हैं और जानता चाहते हैं कि दोनों में बेहतर है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि गाने से सभी फिल्मों में होते हैं, इसमें केजीएफ कनेक्शन क्या है, लेकिन आपको बता दें कि गाना डीएसपी ने लिखा है, वो स्पेशली फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करेगा। जी हाँ, और वो भी एक पार पैक तरीके से। और अगर आपको याद हो तो केजीएफ में भी सलाम रॉकी भाई नाम से एक गाना रखा गया था, जिसे ऑडियंस ने बेहद पसंद भी किया था, और आज भी कई बार किसी ना किसी स्वैग वाले वीडियोस में हमें वो गाना सुनने को मिल ही जाता है। इसी कारण से लोग जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि पुष्पा का ये गाना केजीएफ के गाने को टक्कर दे पाएगा या नहीं। आपको इस बारे में क्या लगता है, और दोनों फिल्मों से आप किसको वेट देना चाहेंगे?
बताइए हमें कमेंट्स में। डायरेक्टर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा ने अनाउंसमेंट के बाद से ही सबकी नजरें अपनी ओर कर रखी हैं। इसके बाद फिल्म के टीजर को भी फैंस का बेतहाशा प्यार मिला, जिसमें अल्लू अर्जुन के रग्ड लुक को तो खास तौर पर काफी अप्रिसिएशन मिली। फिल्म एक एक्शन थ्रिलर होने वाली है, जिसमें रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म का क्रेज ऑलरेडी अपने एक्सट्रीम लेवल पर है, पर मेकर्स इसमें और तड़के लगाने की फिराक में हैं। अब क्या नया किया जा रहा है इस फिल्म में, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी इंडियन फिल्म की सक्सेस में फिल्म के गानों का खास हाथ होता है, और खासकर अगर आपकी फिल्म में डांसिंग सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हो, जिसका एक स्टेप भी सेंसेशन बन जाता है, तब तो फिल्म के गानों पर ध्यान देना उतना ही जरूरी होता है जितना कि पूरी फिल्म पर। और इसी खास जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेकर्स ने फेमस म्यूजिक कंपोजर देवी शंकर प्रसाद के दरवाजे खटखटाए हैं। खबरें आ रही हैं कि देवी शंकर प्रसाद ने हाल ही में फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को समझते हुए एक गाना बनाया है, जिससे सुकुमार और अल्लू काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड नजर आ रहे हैं। ये सॉन्ग जुलाई के फर्स्ट वीक में दर्शकों के लिए रिलीज किया जाएगा। तो आपको बता दें कि देवी शंकर प्रसाद इससे पहले भी अनंदम, कालू सुको वालनी, मन मधुदु, वर्षम और आर्या जैसी सक्सेसफुल कॉम्पोजिशंस इंडस्ट्री को दे चुके हैं, जिसमें से आर्या तो अल्लू अर्जुन की ही फिल्म है। इस तरह इन दोनों की कोलैबोरेशन तो ऑलरेडी हिट रही है। देवी सर को इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर्स में गिना जाता है, और शायद यही कारण है कि सुकुमार ने अपनी पैन इंडिया फिल्म के लिए इन्हें चुना, क्योंकि इस काम के लिए ऐसे कंपोजर की जरूरत थी जिसकी धुन किसी भी इंडस्ट्री के बैरियर्स को हटाकर पूरी इंडिया की ऑडियंस पर एक जैसा ही इम्पैक्ट करे, जहां शायद शब्दों की जरूरत ही ना पड़े और सिर्फ म्यूजिक ही प्योर इमोशंस बयान कर डाले। और देवी शंकर प्रसाद ऐसी काबिलियत रखने वाले कुछ गिने चुने कंपोजर्स में से एक है। यूं तो देवी शंकर प्रसाद और सुकुमार को हमेशा ही एक किलर कॉम्बिनेशन समझा जाता है, लेकिन रीसेंट सोशल मीडिया ट्रेंड्स के कारण अल्लू के बटा बमा सॉन्ग की मैसिव पॉपुलैरिटी के बाद देवी शंकर प्रसाद के कंधों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट हो गई है। अब वो इसे कैसे निभाते हैं ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। तो खैर, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप इस धमाकेदार गाने को सुनने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और साथ ही साथ फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर हैं उपासना पांडे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म पुष्पा ने मानो हर ओर तहलका मचा दिया है, खासकर फिल्म के टीजर और पोस्टर में दिखे अल्लू अर्जुन के इस नए अवतार के बाद। अल्लू अर्जुन के इस नए रफ लुक ने मानो लड़कियों को घायल कर दिया, और अगर वही बात करें लड़कों के बारे में तो उनके लिए तो स्टैंडर्ड ही रेज कर दिए हैं। वैसे भी अल्लू का नाम भारत के सबसे हैंडसम आदमियों में लिया जाता है, और उसके ऊपर से उनका ये रफ लुक तो ना जाने कितने लोगों का पत्ता काट देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लुक के पीछे छुपा असली टैलेंट कौन है? नहीं, कोई नहीं, हम बता देंगे। तो दोस्तों, ये चीज तो आपने नोट ही की होगी कि हम कई बार एक्टर्स की तारीफ करते हैं। वाह यार, रणबीर कपूर तो पूरे संजय दत्त लग रहे हैं। यार, रणवीर सिंह ने कपिल पाजी का क्या लुक लिया है, हमको तो पहचान में ही नहीं आया कि पा में वो अमिताभ बच्चन ही थे। लेकिन दोस्तों, उसके पीछे हुई मेहनत को रिकॉग्नाइज करना हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये बॉलीग्राड स्टूडियोज की नगरी है, यहाँ किसी की भी मेहनत अनकही नहीं जाती। और इसीलिए आज हम इस रात से पर्दा उठाएंगे कि आखिर अल्लू अर्जुन के इस ट्रेंडिंग लुक के पीछे किसका हाथ है। दरअसल सोशल मीडिया पर तहलका मचा देने वाला ये लुक असल में मेकअप आर्टिस्ट और लुक डिजाइनर प्रीतिशील सिंह का देन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पद्मावत में खिलजी के लुक से खौफ महसूस किया था, या फिर हैदर में शाहिद के लुक पर तालियां बजाई थी, या फिर बाजीराव मस्तानी, पद्मावत जैसी फिल्मों के किरदारों सा लुक पाने के लिए मेकअप ट्यूटोरियल सर्च किए थे, या फिर सो नॉट आउट में ऋषि और अमिताभ सर का लुक देखकर आप भूल ही गए थे कि लोग असल
असल में दिखते कैसे हैं, या फिर गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया की लुक को देखकर हैरान रह गए थे। तो आपको बता दें कि आप अनजाने में प्रीतिशील के ही टैलेंट को सहार रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे आइकॉनिक पिक्चर्स और उनके ये आइकॉनिक लुक उन्हीं की देन है। इतना ही नहीं, मॉम, ठाकरे, शिवाय, हवाई ज्यादा, हाउसफुल 3, बाला, पंगा, अंधाधुन, छिछोरे, मुल्क, पति पत्नी और वो जैसी कई ऐसी फिल्में हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी अगर हम उनकी टैलेंट की बात करें तो। अब आप इन सभी लुक्स को याद कीजिए और हमें ध्यान से बताइएगा कि आपको कौन सा लुक बेस्ट लगा था। साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर करेगा लाइक और शेयर और कर दीजिए। करने वाले हैं बॉलीवुड में डेब्यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बॉलीवुड रैप स्टूडियोज के एक फ्रेश नए वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। बाहुबली के बाद मेगा ब्लॉकबस्टर हिट मूवी वैकुंठपुरम मुल्लू ने एक पैन इंडिया मूवी न होने के बावजूद 200 करोड़ का कलेक्शन किया था। अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी और उनकी लास्ट हिट मूवी और उनकी अपकमिंग फिल्म पुष्पा राज को लेकर वो काफी ज्यादा चर्चा में घिरे हुए हैं। अल्लू अर्जुन का न्यू रॉ लुक भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वहीं मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर काफी सारे र्यूमर्स मार्केट में खड़े हो चुके हैं, जहां मूवी को सेकेंड पार्ट में रिलीज करने का सोचा गया है। और डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि इस मूवी में विलन की एंट्री फर्स्ट मूवी पार्ट के आखिर में होगी, जिससे जाहिर होता है कि शायद मेन एक्शन फिल्म को सेकेंड पार्ट में दिखाया जाएगा। मगर बावजूद उसके फर्स्ट मूवी पार्ट के ट्रेलर में काफी ज्यादा एक्शन और तबाहतोड़ फाइटिंग सीक्वेंस दिखाए गए हैं। इस मूवी में अल्लू अर्जुन का रोल एक लॉरी ड्राइवर का बताया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि लॉरी ड्राइवर ज्यादा एक्शन सीन्स क्यों कर रहे हैं, ये बात भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वहीं इस फिल्म की ग्लैमरस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना एक फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी और साथ ही साथ अल्लू अर्जुन की लवर का रोल भी निभाएंगी। इस फिल्म की शूटिंग साउथ के अलग अलग लोकेशंस में की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अल्लू अर्जुन को पुष्पा राज मूवी में चिट्टू डायलेक्ट में फिल्म के सभी डायलॉग्स बोलने हैं, जिसके लिए अल्लू अर्जुन अलग से एक लैंग्वेज एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो सही तरीके से अपनी डायलॉग डिलीवरी कर पाए। पुष्पा राज एक साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। रश्मिका मंदाना ने हाल ही में अपने एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन में पुष्पा राज मूवी को लेकर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। उन्होंने बताया कि पुष्पा राज में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि फैंस को काफी ज्यादा खुश कर देगा और पहले कभी नहीं देखा गया होगा। रश्मिका मंदाना इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। उन्होंने मूवी की शूटिंग को लेकर बताया कि कोरोना पैंडेमिक के बीच में भी काफी सारी सावधानियां बरतते हुए टीम मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ अल्लू अर्जुन के साथ काम करने में उन्हें काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। अल्लू अर्जुन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ही इज वेरी सिंपल एंड स्वीट एक्टर। पुष्पा राज की शूटिंग का कुछ हिस्सा तेलंगाना के मोटुगुडेम विलेज में शूट किया गया है। मूवी की शूटिंग के दौरान जब फैंस को अल्लू अर्जुन के वहां होने की खबर मिली तो उनसे मिलने के लिए उनकी सेट के बाहर काफी ज्यादा भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ने अल्लू अर्जुन का बड़े प्यार से मिले और इंटरैक्ट भी किया। सेकंड वेव के चलते पुष्पा राज की शूटिंग को काफी मुश्किल से पूरा किया जा रहा है। अभी भी उसका कुछ हिस्सा शूट करना बाकी है। बीच में 28 अप्रैल को अल्लू अर्जुन ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी भी दी थी, जिसके कारण कुछ दिन तक अल्लू अर्जुन होम क्वारंटीन थे, जिससे वहां मूवी की शूटिंग कुछ टाइम के लिए रुक गई थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म एज पर स्केड्यूल टाइम पर रिलीज कर पाना मुश्किल है। तो न्यूज रिपोर्ट के अनुसार रिलीज डेट पोस्टपोन भी हो सकती है और दूसरी रिलीज डेट दशहरा फेस्टिवल या फिर 17 दिसंबर के आसपास रखी जा सकती है। तो वहीं पुष्पा राज का पोस्टर और टीजर अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन रिलीज किया गया था। लॉन्च पर अल्लू ने अपने सभी रीजन के फैंस से उन्हें ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए उनका शुक्रिया अदा भी किया। उन्होंने अपने नॉर्थ इंडियन, हिंदी और अदर रीजन के फैंस के लिए अपना ग्रेटिट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज में बताया और साथ ही हिंदी में भी उनके कुछ शब्द बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया ने हिंदी ऑडियंस का दिल जीत लिया।
उनकी स्पीच के बाद से ट्विटर पर उनके फैंस का उनके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही नॉर्दर्न साइड में उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। हिंदी ऑडियंस के बीच इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद अल्लू अर्जुन की बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर बात चल रही है। अल्लू अर्जुन ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो अपना बॉलीवुड डेब्यू जरूर करेंगे। उनका कहना था कि बॉलीवुड हिंदी इंडस्ट्री काफी मैसिव है और उससे काफी ज्यादा एडमायर भी किया जाता है। जिस तरह से हिंदी इंडस्ट्री के एक्टर्स साउथ फिल्म्स में डेब्यू करते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, वैसे ही वो भी हिंदी इंडस्ट्री में ज्यादा ऑडियंस गेन करना चाहते हैं। और पुष्पा राज की इस मैसिव प्री रिलीज सक्सेस के बाद से ही उन्होंने हिंदी इंडस्ट्री में अपना फैन बेस भी बना लिया है। अल्लू अर्जुन हिंदी फिल्म्स को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, जहां बाकी तेलुगु एक्टर्स अपने रीजनल इंडस्ट्री में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे में अल्लू अर्जुन हिंदी फिल्म्स में काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनका कहना है कि हर किसी की अपनी चॉइस है और हिंदी इंडस्ट्री का काम भी उन्हें काफी इंस्पायर करता है। फिलहाल उनका फोकस अपनी साउथ इंडस्ट्रीज की अपकमिंग मूवी पर है, सबसे ज्यादा पुष्पा राज पर है। अल्लू अर्जुन का बॉलीवुड में एज ए न्यू कमर आने के लिए फिलहाल कोई मूड तो नहीं है, मगर जल्द ही वो बॉलीवुड मूवीज में नजर आ सकते हैं। उन्होंने काफी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, मगर उन्हें अभी तक कोई खास पसंद नहीं आई। अल्लू अर्जुन को पहले अर्जुन रेड्डी में कास्ट करने के लिए अप्रोच किया गया, मगर अर्जुन रेड्डी का उस मूवी में काफी इंटेंस रोल था, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये रोल उनके लिए नहीं है। आफ्टर दैट अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी पुष्पा, खास बात बताएं तो दोस्तों श्रद्धा कपूर के फैंस और हिंदी सिनेमा के लिए ये बात काफी ज्यादा बेहतरीन और एक्साइटिंग हो सकती है और इसी वजह से फिल्म को काफी फेम और काफी बज मिल सकता है। तो आपका इस टेक्निक के बारे में, प्रभास की सारी फिल्मों का उनके फैंस को लंबा इंतजार रहता है, उनके फैंस पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो। अब पुष्पा की ही बात कर ले तो उनके फैंस करीब 2 साल से इस पिक्चर का इंतजार कर रहे हैं, जब से इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया था। आने वाले दिनों में पुष्पा का ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट नेशनल क्रश रश्मिका मांडेना नजर आने वाली है। पुष्पा में विलेन के तौर पर फहाद फजल नजर आएंगे, साथ ही इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार। दोस्तों पुष्पा आज इतने ज्यादा लाइमलाइट में इसीलिए भी है क्योंकि इस फिल्म में लीड तौर पर अल्लू अर्जुन नजर आने वाले हैं और अल्लू अर्जुन का स्टारडम ही कुछ ऐसा है कि उनकी हर फिल्म में लगातार चर्चा में बनी रहती है। अगर पुष्पा सक्सेसफुल होती है तो उसका कुछ क्रेडिट अल्लू अर्जुन की मैसिव पॉपुलैरिटी को भी जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कैसे अल्लू अर्जुन साउथ के सुपरस्टार बन गए और क्यों उन्हें साउथ का स्टाइलिश यंग आइकन कहा जाता है। अल्लू अर्जुन ने ज्यादातर काम साउथ इंडस्ट्री में ही किया है, अभी तक वो बॉलीवुड की किसी फिल्म में अपना डेब्यूट करते हुए नहीं दिखे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में वो जल्द ही बॉलीवुड की किसी फिल्म में भी काम करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था एज अ चाइल्ड एक्टर विजेता फिल्म के साथ। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग का शौक रहा था और इसी वजह से उन्हें कई एडवर्टाइजमेंट्स भी मिलने लगे। इसके बाद अल्लू अर्जुन को उनकी पहली फिल्म मिली जिसमें उन्होंने लीड किरदार निभाया था और वो थी गंगोत्री। गंगोत्री पिक्चर लोगों को काफी पसंद आई और इस फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस भी किया था। लेकिन अल्लू अर्जुन के करियर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी फिल्म आर्या को रिलीज किया गया। आर्या को अल्लू अर्जुन के करियर का सबसे सक्सेसफुल फिल्म कहा जाता है। इस पिक्चर में उनके एक्टिंग स्किल्स की काफी सराहना हुई थी। इतना ही नहीं, आर्या पिक्चर के बाद अल्लू अर्जुन को कई अवार्ड से नवाजा गया था जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल है। अब बात करते हैं कि आखिर अल्लू अर्जुन को साउथ का स्टाइलिश सुपरस्टार क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, साउथ इंडस्ट्री में जितने भी चेहरे हैं उसमें से अगर किसी के लुक्स को सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है तो वो है अल्लू अर्जुन। खास तौर पर उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को लोग काफी पसंद करते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं आने वाले दिनों में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के लिए उनके तमाम फैंस काफी एक्साइटेड हैं।
पुष्पा बेसिकली एक गैंग वॉर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे सैंडलवुड की इलीगल तस्करी की जाती है और कैसे अल्लू अर्जुन फिल्म की शुरुआती दौर में एक खराब इंसान होते हैं लेकिन बाद में उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आ जाता है। आप पुष्पा के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड अपकमिंग मूवी पुष्पा राज, जिसे सुकुमार ने डायरेक्ट किया है, जल्द ही थिएटर्स में अपना कमाल दिखाने वाली है। बावजूद इसके ऑडियंस अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस मूवी से रिलेटेड बार बार कोई न कोई अफवाह हर बार मार्केट में नजर आती है, जिस वजह से फैंस की एक नई फैन थ्योरी बननी शुरू हो जाती है। इस मूवी के लिए जहां टॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक अल्लू अर्जुन को कास्ट किया गया है, तो वहीं इस मूवी के बाकी की कास्ट एंड क्रू भी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप मेंबर से जुड़ी हुई है। फिल्म प्रोड्यूसर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये बात कंफर्म करी है कि फिल्म को दो हिस्सों में रिलीज करा जाएगा। ऐसा करने की एक बड़ी वजह ये है कि फिल्म की स्टोरी में एक बहुत बड़ा टाइम स्पैन दिखाया जाएगा और इस स्पैन को एक मूवी में पूरे तरीके से दिखा पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए हीरो और डायरेक्टर ने साथ मिलकर ये डिसाइड किया है कि पुष्पा को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा। क्या आपको भी ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है ना? ऐसा नहीं लगता कि पहले भी एक मूवी में ऐसा हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। मेगा ब्लॉकबस्टर बाहुबली मूवी में भी यही हुआ था। फर्स्ट पार्ट में भी बहुत बड़ा स्पैन होने की वजह से फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया गया। फिल्म के आखिर में फिल्म की बैक स्टोरी लाना और पूरी मूवी को रिवर्स में ले जाना, ऐसा कॉन्सेप्ट पहली बार ही किसी मूवी के जरिए दिखाया गया है। कहा जाता है कि गाना है तो मूवी सुपर हिट, और जहां इस गाने की पूरी प्रोडक्शन टॉप म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर और ऑस्कर विनिंग स्टार के पास हो, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कितनी बड़ी सक्सेस इस मूवी को मिल पाती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ये मूवी एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है, तो सोचने की बात है कि जहां साउथ सॉन्ग्स में इतने बड़े स्टार को हायर किया जा रहा है, ऐसे में क्या इस सॉन्ग का हिंदी में भी कोई डब वर्जन या न्यू हिंदी सॉन्ग भी लॉन्च किया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो इसे मूवी का हिंदी ऑडियंस के साथ काफी गहरा कनेक्शन बन जाएगा। अब ऐसा करने की एक वजह ये हो सकती है कि अल्लू अर्जुन वैसे ही अपने हैंडसम और डैशिंग लुक के लिए काफी पॉपुलर हैं और उनके हैंडसम हॉट लुक्स और पर्सनालिटी एक आम बात हो गई है। ऐसे में उनके पोस्टर में वही सेम लुक दिखा कर ऑडियंस के बीच इतना क्रेज पैदा नहीं होता जितना टॉलीवुड के मोस्ट डैशिंग स्टार अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और पूरी टीम में बहुत ज्यादा जोश है। फिल्म का ट्रेलर 70 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, जिससे फिल्म की पूरी टीम काफी ज्यादा खुश है। फिल्म के रिलीज से पहले ही इतनी बड़ी कामयाबी मिलना साउथ इंडस्ट्री के लिए एक आम बात होती जा रही है। मूवी के ट्रेलर में कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ अल्लू अर्जुन के एक्शन सीन, लुक और फाइटिंग सीक्वेंसेस ने काफी तहलका मचा दिया। इस मूवी को मिरर मूवी फॉरेस्ट में शूट किया गया है, जहां हाई पुलिस पोस्ट और कंप्लीट सिक्योरिटी में इस फिल्म पर काम किया गया था। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म क्रू को साउथ के एक्शन सीन्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं और साथ ही साथ शायद से इंटरनेशनल ऑडियंस को भी लुभाने के लिए पुष्पा राज की कैमरा हैंडलिंग के लिए चूज किया गया है पॉलिश कैमरामैन मीरस्लाव कुबर प्रोजेक्ट को। जी हाँ दोस्तों, मीरस्लाव को इंडिया में पीसी श्रीराम ऑफ पोलैंड कहा जाता है। पीसी श्रीराम इंडिया के रीओन सिनेमाटोग्राफर्स में से एक है जो कि मोस्टली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इवेंट्स में काम करते हैं। मीरस्लाव इससे पहले क्या फ्रीडम मूवी, जिसको विक्रम कुमार ने डायरेक्ट किया था, उसके लिए एज अ कैमरा पर्सन काम कर चुके हैं। उस फिल्म में मीरस्लाव के काम से इम्प्रेस होकर ही सुकुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा राज के लिए उन्हें हायर किया। मीरस्लाव भी फिल्म में हिस्सा बनने का ये मौका पाकर खुश नजर आ रहे थे और फैंस भी ये खबर सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन ये खुशी ये पल ज्यादा समय तक नहीं रह पाई थी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबरों के अनुसार कोरोना पैंडेमिक की वजह से वो वापस जा रहे हैं और उन्हें रिप्लेस करने की बातें चल रही हैं। बता दें कि अल्लू अर्जुन मीरस्लाव के साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और ये एक्साइटमेंट मीरस्लाव के एफर्ट्स में भी दिख रही थी। ट्रेलर लॉन्च के दौरान मीरस्लाव ने फिल्म की काफी तारीफ भी की थी और फिल्म के हर इवेंट का, चाहे वो फिल्म शुरू करने से पहले हो या फिर कई पूजा सेरेमनी हो या फिर फिल्म का सेलिब्रेशन क्यों ना हो, उसका हिस्सा जरूर बनते थे। मीरस्लाव तेलुगु इंडस्ट्री से अटैच हो चुके हैं लेकिन अब उन्हें जाना पड़ रहा है इंटरनेशनल ट्रैवल में सेफ्टी बनी रहने के लिए, इसलिए सभी रेस्ट्रिक्शन और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उनको एक सेफ ट्रैवल जोन में रखा हुआ है।
ये एग्जिट फिल्म पर गहरा असर डाल सकती है क्योंकि फिल्म के टीजर से ही फिल्म का गहराई और थ्रिल का काफी फर्क चल रहा है। अब क्या न्यू कैमरामैन इस लेवल को मैच कर पाएगा? तेलुगु सिनेमा में आजकल फॉरेन सिनेमाटोग्राफर्स को अप्रोच करने के ट्रेंड चल रहा है जिससे फिल्म की विजुअल क्वालिटी और ज्यादा इंडेक्स ऊपर सामने आती है। अभी तक यूरोपियन पॉलिश सिनेमाटोग्राफर अपना कमाल दिखा चुके हैं तेलुगु फिल्म्स में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले ये कोशिश पुष्पा राज के लिए थी हुई थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब क्या नया काम है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में? अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा ने अपनी अनाउंसमेंट के बाद से ही मीडिया में सनसनी मचा रखी है। कभी फिल्म की हीरोइन तो कभी फिल्म का विलन, कभी फिल्म के दो पार्ट्स तो कभी फिल्म का गाना, फिल्म आए दिन किसी न किसी कारण से हेडलाइन से रहती है। इन सारी अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन तो हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में देख ही चुके थे लेकिन आज हम वो बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जिसका जवाब तो सब जानना चाहते हैं लेकिन पता किसी को नहीं है। ऐसी कौन सी सीक्रेट खबर जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जब से फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है एक सवाल ने सबके मन में भर कर रखा है, आखिर फिल्म का नाम पुष्पा ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट वजह है? इस बारे में कई थ्योरी निकली। कुछ के अकॉर्डिंग पुष्पा फिल्म में अर्जुन की माँ का नाम पुष्पा हो सकता है जिससे वो बेहद प्यार करते होंगे और उनकी मौत के बाद ही इसीलिए उनकी यादों को हमेशा अपने साथ रखने के लिए उन्होंने अपना नाम पुष्पा ही रख लेंगे। तो कुछ का कहना है कि क्या पता कि लीडिंग लेडी रश्मिका का नाम है। स्पेकुलेशन की हद तो तब तक होगी जब उन्होंने ये कहा कि क्या पता डायरेक्टर सुकुमार राजेश खन्ना के बड़े फैन इसीलिए ये नाम रख दिया गया। यू नो पुष्पा आई हेट यस, पर हमने ये गुत्थी सुलझाई ही नहीं। एक्चुअली इस नाम के पीछे बड़ा ही सिंपल सा कारण है, जितना डीप में जाकर फैंस ने सोचा उतनी मेहनत मेकर्स ने नहीं की। फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर का नाम पुष्पक नारायण रखा गया है जिन्हें सब प्यार से पुष्पा बुलाते हैं और इसी वजह से फिल्म के लिए इस टाइटल को चुना गया। आफ्टर ऑल पूरी कहानी इस किरदार के इर्द गिर्द घूमेगी। बता दें कि इससे पहले फिल्म का नाम शेषाचलम रखा जाने वाला था क्योंकि ये पूरी कहानी शेषाचलम में प्रोमिनेंट स्मगलिंग पर बेस्ड है। अगर ऐसा होता तो पुष्पा और केजीएफ में एक और सिमिलैरिटी हो जाती क्योंकि केजीएफ का भी ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पूरी कहानी इस पर बेस थी, केजीएफ पर किसका राज होगा। शायद इसी चीज को अवॉइड करने के लिए सुकुमार ने शेषाचलम को पुष्पा कर दिया। इससे फिल्म का टाइटल काफी कैची भी हो गया और इंक्लूसिव भी और क्यूरियोसिटी लगाने वाला हो गया। खैर ये तो हमारी अर्जुन फैंस के लिए बेहद खास। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों आज बात करेंगे आज के फैंस के बहुत ज्यादा फेवरेट और मोस्ट स्टाइलिश एंड डैशिंग एक्टर अल्लू अर्जुन की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी पुष्पराज के बारे में। दोस्तों पुष्पराज का टीजर जब से रिलीज किया गया है और अपने बर्थडे पर टीजर के सक्सेसफुल लॉन्च पे जब से अल्लू अर्जुन ने अपने नॉर्थ इंडियन फैंस और अदर स्टेट फैंस के लिए इंग्लिश में स्पीच देते हुए और हिंदी में उनके लिए कुछ शब्द कहते हुए उन्हें धन्यवाद कहा है और इतने सपोर्ट के लिए उनके शुक्रगुजार हुए हैं, तभी से ही दोस्तों नॉर्थ साइड में भी अल्लू अर्जुन का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अल्लू अर्जुन के अपकमिंग इस ड्रामा एक्शन फिल्म में सुकुमार और उनके म्यूजिक कंपोजर देवीश्री प्रसाद के साथ उनका काफी टाइम बाद कोलैबोरेशन हुआ है। इससे पहले सुकुमार और अल्लू ने साथ में दो ब्लॉकबस्टर मूवीज करी थी जो कि थी आर्य और आर्य का सेकंड सीक्वल आर्य 2। और ये बात सभी जानते हैं कि स्टाइलिश एक्टर अल्लू अर्जुन को आर्य मूवी ने रातों रात सुपर सेंसेशन बना दिया था। दोस्तों पुष्पराज को लेकर हर दिन एक मार्केट में नई अफवाह सुनने को मिलती है। मूवी की स्टोरी लाइन एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। रिसेंटली आ रही खबरों के अनुसार अल्लू अर्जुन इस मूवी में डबल रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सोर्सेस की माने तो जहां अल्लू अर्जुन का एक किरदार स्मगलर के रूप में नजर आएगा तो वहीं दूसरा किरदार बिजनेसमैन के तौर पर दिखाया जा सकता है। अब दोस्तों पुष्पराज के नए और पुराने पोस्टर्स को देखकर अल्लू अर्जुन के अलग अलग रूप्स पर उनके डबल रोल होने की अजम्पशंस लगाई जा रही हैं। ट्विटर पर एक पोस्टर को लेकर एक फैन ने अल्लू अर्जुन के डबल रोल होने की बात कही थी। दोस्तों इस बात पर अभी तक डायरेक्टर सुकुमार ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि आखिर ये बात सच है या झूठ। अगर इस बात को सही माने तो हो सकता है कि फिल्म में विलन और एक्टर दोनों का रोल अल्लू अर्जुन साथ में
निभाते हुए नजर आया। अब दोस्तों सोचिए जरा, जैसे बॉलीवुड मूवी डॉन में हुआ था, जिसमें असली डॉन तक पहुंचने के लिए पुलिस वालों ने एक नकली उसी के जैसे दिखते हुए गरीब आदमी को उनकी गैंग में डॉन बनाकर भेज दिया। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही कहानी इस बार पुष्पराज में रिपीट तो नहीं की जाएगी। स्ट्रॉन्ग यूमर्स की बात की है कि अल्लू अर्जुन का दूसरा रोल एज अ बिजनेसमैन होगा। अब दोस्तों हो सकता है कि उस बिजनेसमैन की सच्चाई पता लगने के लिए लॉरी ड्राइवर अल्लू अर्जुन को बिजनेसमैन बनाकर वहां भेज दिया जाए, जहां से उनके धंधे को ऑपरेट किया जाता हो। और अब दोस्तों रूमर्स में कितनी सच्चाई है वो तो अब फिल्म मेकर्स क्लियर करेंगे, तभी पता चलेगा, वरना मूवी रिलीज होने का तब तक इंतजार करना पड़ेगा सभी को। और दोस्तों इन सभी खबरों से अल्लू अर्जुन के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। अब दोस्तों बात करें कि अगर अल्लू अर्जुन अपने फैंस के लिए कितने खास क्यों हैं, तो इसका जवाब आप जल्द ही खुद समझ जाएंगे। दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान अल्लू अर्जुन ने बताया कि फैंस के साथ साउथ मूवी इंडस्ट्री के एक्टर्स का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। दे ऑल ट्रीट ईच अदर लाइक फैमिली, ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और फिल्म स्टार फैंस के बिना कुछ नहीं है। इसलिए साउथ में देखा जा सकता है कि अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बड़ी है। अपने क्लोज फ्रेंड और साथ ही साथ उनके फैन के फ्यूनरल में वो खुद उनके घर गए थे। बॉलीवुड स्टार्स या एक्टर्स के मुकाबले अपने फैंस के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं और यही वजह है कि नॉर्थ इंडिया में भी साउथ एक्टर्स के इस नेचर की वजह से उनकी ब्लॉकबस्टर होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते अभी अपनी तय तारीख में रिलीज नहीं हो पाएगी। फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस को अभी 3-4 महीने और इंतजार करना है, क्योंकि 99% ये फिल्म 17 दिसंबर 2021 को जरूर रिलीज होगी। इस फिल्म की कहानी को लेकर भी काफी सारे रूमर्स फैल रहे थे, सब अपने अपने तरीके से कहानी अज्यूम करने लगे थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शुरुआत में अल्लू अर्जुन एक बिजनेसमैन के रोल में नजर आएंगे। अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपरहिट बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां कर चुके हैं, कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैल। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अल्लू अर्जुन हमें सीधा बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे, उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे, लेकिन अब थिएटर वाला मजा लेना होगा, तो मजा तो आएगा ही। इसके अलावा आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन ने भी कमर कस ली है और उन्होंने सोचा है कि वो जमकर प्रमोशन करेंगे, जो कि हमने कहा भी था कि अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया तो ये बहुत ज़्यादा सुपरहिट रहेगी, क्योंकि जो हिंदी ऑडियंस है बार बार इन्हें खबरें देनी पड़ती है कब फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो प्रमोशन अच्छा खासा होना चाहिए। इसीलिए हिंदी ऑडियंस के लिए स्पेशली अल्लू अर्जुन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में वैसे फैन फॉलोइंग कम नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो अल्लू अर्जुन ने पूरी जान झोंक दी है। एक पीआर टीम उन्होंने रखी है जो कि अब सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, प्रमोशनल इवेंट, साथ ही जितने भी ये बॉलीवुड के चैनल है उनमें इंटरव्यू देते हुए नजर आएंगे अल्लू अर्जुन। साथ ही आपको बता दें कि एक खबर ये भी है कि कपिल शर्मा शो में भी इस फिल्म का प्रमोशन हो सकता है, तो सोचिए अल्लू अर्जुन अगर कपिल शर्मा शो में पहुंच गए तो कितना भयंकर मजा आने वाला है। दोस्तों ये बात वाकई बहुत बड़ी एक्साइटमेंट भरी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगड़ी है, रश्मिका मंदाना इसमें नजर आने वाली है, विजय सेतुपति है, और अब विलेन का नाम भी रिवील कर दिया गया है, सूर्या, जो कि अल्लू अर्जुन के साथ और भी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, तो वो विलन का किरदार करने वाले हैं। साथ ही सुकुमार इसे डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि अल्लू के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, तो बहुत सारी जोड़ियां रिपीट हो रही है एक हिसाब से लगाया जाए। और सैंडलवुड जो लकड़ी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाई देंगे अल्लू अर्जुन, उनकी जो तस्वीरें सामने आई है वो दिखाती हैं कि 80s से 90s का ये एरा है, जिसमें कि अल्लू अर्जुन की जो शर्ट है चेक शर्ट दिख रही है, बेल बॉटम पैंट्स दिख रहे हैं, साथ ही उनके हाथ में स्टील की घड़ी है जो कि 80s के दौर में पहनी जाती थी, तो उसी टाइम का ये दिखाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के जंगलों में फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और बहुत कुछ खास है, जैसे कि अल्लू अर्जुन का लुक जो कि कर्ली हेयर उन्होंने कैरी किए हैं और जितनी भी फोटो तब से उनके सामने आ रही है उसमें अलग ही ऑरा उनका दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव अल्लू अर्जुन नजर आ रहे हैं और फिल्म में भी इसी तरह का धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। फिल्म में एक्शन बहुत भरपूर होने वाला है। तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा का, ये जरूर बताइए। और ये नॉर्थ में कितना बड़ा धमाका मचाएगी आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस के लिहाज से, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस, मेरी यही प्रॉब्लम है सर,
मारता ज्यादा हूँ गिनता कम। गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। ए सर, मैं ऐसा ही हूँ, भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता, और गुस्सा। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, क्या ओपनिंग रह सकती है पुष्पा की, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बजट में बनाया जा रहा है पुष्पा को? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जवाल। बात करेंगे साउथ के स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की, जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुष्पा और बहुत ज्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लुक शेयर किए गए हैं और शूटिंग से भी एक वीडियो लीक हो गया था, कुछ तस्वीरें लीक हो गई थी। इस फिल्म को सुकुमार डायरेक्ट कर रहे हैं लेकिन सुकुमार बिल्कुल नहीं चाहते कि जो शूटिंग लोकेशन है उसके एक भी फोटो वायरल हो और लीक हो, इसीलिए उन्होंने कड़ी सिक्योरिटी रख दी है और जिसने भी ये लीक किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिए हैं कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहते हैं और एकदम से धमाका मचाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें पुष्पा का बजट भी हाई रखा गया है, 150 करोड़ का इसका बजट होने वाला है। पैन इंडिया ये फिल्म है यानी कि 5 भाषाओं में रिलीज की जाएगी और पहली बार अल्लू अर्जुन हमें हिंदी में भी बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। तो बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो अभी से अनुमान लगाया जा सकता है कि अच्छी खासी ये ओपनिंग देगा। हिंदी की अगर हम बात करें और 100% ऑक्यूपेंसी रही थिएटर्स में, अगर पेंडेमिक सही हो गया एकदम और लोग आने लगे थिएटर्स में, तो ये फिल्म हिंदी में 25 करोड़ का ओपनिंग आराम से देगी, ये 30 करोड़ भी हो सकता है, और 60 करोड़ का अगर हम बोलें अलग भाषाओं से जो बाकी भाषाओं में रिलीज हो रही है उससे 60 करोड़ ये ऑक्यूपाई कर ही लेगी, इतना कलेक्शन ये कर ही लेगी। खाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये टोटल कलेक्शन, ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो 200 से 250 करोड़ ये फिल्म आसानी से कमा लेगी। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 20 करोड़ का ये ओवरसीज कलेक्शन करेगी पहले दिन, तो इस हिसाब से लाइफ टाइम कलेक्शन की हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये 150 करोड़ की कमाई कर सकती है। हिंदी तमिल तेलुगू से ये 300 करोड़ कमा लेगी और 200 करोड़ हो गया हिंदी में। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर हम टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो 500 करोड़ की कलेक्शन आराम से पुष्पा कर लेगी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि अल्लू अर्जुन के जो फिल्में हैं उनका हिंदी फैंस को भी इंतज़ार रहता है और वर्ल्ड वाइड भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह का कलेक्शन अगर आता है तो वो हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि अल्लू की जितनी भी फिल्में आती हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे धमाल मचाती है, उनका हिंदी डब जो वर्जन आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूज़ के मामले में भी और फैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी है। इसके अलावा उनके अपोजिट इसमें रश्मिका मंदाना नज़र आने वाली हैं और इनकी केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है फिल्मों में, तो दोस्तों इतना तो ये तय है कि ये फिल्म धमाल ही मचा पाएगी। और सैंडलवुड जो लकड़ी होती है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाया जाएगा, विजय सेतुपति इसमें होने वाले हैं। एक और विलन का नाम सामने आ चुका है, वो है आर्या, और आर्या अल्लू अर्जुन के साथ और फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कितना करोड़ का ये कलेक्शन कर लेगी और कितना इंतजार है इस फिल्म का? नीचे किस नए अंदाज से चौंकाने वाली हैं रश्मिका दर्शकों को, क्या इस नए किरदार से बदल जाएगी अभिनेत्री की छवि और क्यों एक बार फिर रुकी अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की शूटिंग, क्या थी बड़ी वजह इसके पीछे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। आज इस वीडियो में हम फिल्म पुष्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अपनी खूबसूरती और क्यूटनेस की वजह से हर जगह छा रही हैं कन्नड़ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, कभी अपने दिल पिघला देने वाली तस्वीरों की वजह से तो कभी अपने जिम वर्कआउट की वीडियो से, लेकिन जल्द ही अब ये ग्लैमर डॉल अपना काया पलट करने जा रही हैं अपनी एक खास फिल्म के लिए। तो क्या आप तैयार हैं उन्हें एक ऐसे रूप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो? रश्मिका जल्द ही अल्लू अर्जुन की हीरोइन बनने जा रही हैं और दोनों की ये साथ में पहली फिल्म होगी। फिल्म का शीर्षक है पुष्पा, जो फिल्म में अल्लू अर्जुन के किरदार का नाम भी रहेगा, और ये फिल्म आंध्र प्रदेश के जंगलों से लाल चंदन की स्मगलिंग की कहानी पर आधारित है।
अल्लू अर्जुन का बीहड़ लुक पहले ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा है। अल्लू अर्जुन जिन्होंने बचपन में ही अपना एक्टिंग करियर चिरंजीवी जैसे बड़े सितारों के साथ फिल्म डैडी से शुरू कर दिया था, वहीं रश्मिका चाहे इस फील्ड में नई हो लेकिन अपने काम से अव्वल है अभिनेत्री। 24 साल की इस अभिनेत्री ने अपनी पहली ही फिल्म किरक पार्टी से वाह वाह बटोरी थी, जिसके बाद उन्होंने महेश बाबू के साथ सरीलेरु, निक्की वेरु और भीष्मा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में दी। फिल्म पुष्पा में रश्मिका के किरदार की बात करें तो ये पहली बार होगा जब रश्मिका ऐसे अवतार में दिखेंगी। हमेशा ग्लैमरस अंदाज में देखी गई अभिनेत्री अब करने जा रही है गांव की गोरी का किरदार। फिल्म में वे गांव की एक गरीब लड़की के अंदाज में दिखेंगी, जिसके लिए उन्हें नॉन ग्लैमरस रूप में दिखाया जाएगा। रश्मिका और अल्लू अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी, जिसके लिए वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। वहीं केजीएफ की शीना यानी श्रीनिधि शेट्टी के बाद अब कन्नड़ ब्यूटी भी चल पड़ी है तमिल सिनेमा की तरफ। जल्द ही रश्मिका तमिल फिल्म सुल्तान में कार्थी के साथ दिखाई दे सकती हैं। और क्या आप जानते हैं शाहिद कपूर की आगामी फिल्म जोसी में मृणाल ठाकुर से पहले रश्मिका को फिल्म में मृणाल वाला किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया। मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि कोई जिनकी निगाहें टिकी हैं सुंदर और टैलेंटेड एक्ट्रेस पर, जी हाँ, संजय लीला भंसाली, जिन्होंने ऐश्वर्या राय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास से बदला। वहीं दीपिका पादुकोण की फिल्म गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत ने दीपिका के करियर को ऐसी किक दी जो शायद सलमान अपनी फिल्म किक में न ढूंढ रहे थे। वहीं अब संजय लीला भंसाली अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहे हैं और ये खोज शायद अब रश्मिका पर आकर रुक गई है। फिल्म का ऐलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या क्या शीर्षक के साथ आएगी अभी तक बताया नहीं गया है। अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपरहिट फिल्म आर्या कर चुके हैं और पुष्पा को मैत्री मेकर्स बैनर्स बैरोल के कर रहे हैं, और जो अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर कौरतला शिवा के साथ फिल्म #AA21 से भी जुड़ गए हैं। फिल्म पुष्पा डायरेक्टर सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड़ के रखा है। और ये फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर देवश्री प्रसाद हैं, जिन्होंने कई तेलुगु हिट गाने दिए हैं। वहीं आपको उर्वशी रौटेला का गाना डैडी मम्मी है नहीं घर पे याद है, उस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर ही भी प्रसाद ही है। सुकुमार की रामचरण के साथ हिट फिल्म रंगस्थलम में भी देवश्री प्रसाद का साथ था और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्रसाद ने म्यूजिक डायरेक्ट किया है। एक इंटरव्यू के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए। वहीं फिल्म से जुड़ी खास बात यह है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोक दी गई है। फिल्म की शूटिंग काफी जोरों शोरों से चल रही थी और पुष्पा को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाया गया, इसके बाद फिल्म की शूटिंग तुरंत रोक दी गई और सेट पर सभी की सुरक्षा और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने जनवरी तक शूट स्थगित करने का फैसला किया है। तो क्या बनेंगी रश्मिका भंसाली की हीरोइन? कहीं फिल्म पुष्पा KGF 2 से क्लैश तो नहीं करेगी? आपको क्या लगता है हमें अपने जवाब कमेंट्स करके जरूर बताएं। वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा फिल्म की स्टोरी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थ्योरीज क्या है? साउथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतरीन फिल्म्स के साथ तेजी से पॉपुलैरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है, और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटरटेनिंग स्टोरीज और फिल्म मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी बारीकी से फॉलो करना, फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, एक्टिंग एंड डायरेक्शन एंड फॉर दैट मैटर बजट हो। इस एफर्ट का रिजल्टेंट है कमाल का सिनेमा जिसके काफी चाहने वाले हैं। तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि कंटेंट के मामले में अब बस बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साथ में ही कई रीजनल सिनेमा भी रेस में आ चुके हैं, और कई केसेस में तो बॉलीवुड से बढ़िया कंटेंट परोस रहे हैं। हर तबके से जुड़े लोग अब साउथ सिनेमा की तरफ देखने लगे हैं और इसकी बदौलत साउथ स्टार्स की फैन फॉलोइंग अलग लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। पर इधर उधर ज्यादा ना भटक के सीधे आते हैं मुद्दे पर। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की और कनाडा क्रश रश्मिका मंदाना की मच अवॉइटेड फिल्म पुष्पा रिलीज होने जा रही है अगस्त में, और एज एक्सपेक्टेड इस तेलुगु फिल्म की एंटिसिपेशन आसमान छू रहा है।
फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो ये होगी रेड सैंडलवुड की तस्करी पर बेस्ड, जिसमें अल्लू अर्जुन इसी धंधे में काम कर रहे हैं एक लॉरी ड्राइवर होंगे। अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता और मेकर्स ने भी इस मामले में चुपी सद रखी है। पर जिस देश में इतनी क्रिएटिव ऑडियंस हो वहाँ क्रेजी थियोरीज की क्या कमी हो सकती है, इसलिए जनता अपनी तरफ से फिल्म के प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जुट गई है और कुछ कमाल की स्टोरीज निकाल के सामने आ रही है। तो देर किस बात की, आइए डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है। पहली एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चक्कर लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानी रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर है पुष्पा और प्लॉट इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। पुष्पा एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और लीड हीरो अल्लू अर्जुन का लव इंटरेस्ट है। पुष्पा का हो जाएगा कत्ल और मारने वाले गुंडों का कोई अता पता नहीं होगा। अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेड सैंडलवुड की तस्करी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा। फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोध की ज्वाला टाइप बन जाएगी, जहां वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा। इस फिल्म के फर्स्ट पोस्टर सामने आने के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अर्जुन इस फिल्म में एक ग्रे शेड में दिखेंगे, पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफी को देखकर इसके चांसेस कम लग रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थ्योरी की तरफ। इसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका के कैरेक्टर की तो पहले से शादी हो चुकी है, पर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा अर्जुन की बहन के साथ, जिसका हो जाएगा मर्डर। अब अल्लू मर्डर का पता लगाते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉन्क्लूशन पे पहुंचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेड सैंडलवुड के फॉरेस्ट में, इसलिए अल्लू अर्जुन खुद भी रेड सैंडलवुड का स्मगलर बन जाएगा और लोरी चलाएगा। इसी लुक में वो विलेन के करीब पहुंच जाएगा जो सैंडलवुड स्मगलर माफिया का हेड होगा और जिसने उसकी बहन को इसलिए मारा होता है क्यों इस धंधली का पता चल जाता है अपने फॉरेस्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। तो एंड में होता है घमासान युद्ध और विलेन की हार के साथ स्टोरी समाप्त। बस यही नहीं बल्कि स्टोरी को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हैं, पर असली स्टोरी जा रही है अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा। उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा, क्या होने वाली है पुष्पा की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉडीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। अपने जन्मदिन के मौके पर अल्लू अर्जुन ने सबको सरप्राइज दिया था, पुष्पा की घोषणा की थी और बताया था कि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, यानी कि पहली बार अल्लू अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए अपने सुपरस्टार को बड़े पर्दे पर देखने के लिए, क्योंकि साउथ समेत नॉर्थ में भी अल्लू अर्जुन की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। मेकर्स द्वारा अल्लू के जन्मदिन के मौके पर अलग अलग भाषाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेयर किया गया था, जिसमें कि अल्लू अर्जुन बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहे थे। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पसंद भी उन्हें किया गया था और लुक के पीछे मेकअप आर्टिस्ट और लुक डिज़ाइनर प्रतिशील सिंह का हाथ था, जो कि बहुत सारी फिल्मों के लिए ऑलरेडी अवार्ड जीत चुके हैं। और प्रतिशील ने हैदर, मॉम, 102 नॉट आउट, ठाकरे, शिवाय, हवाई ज़्यादा, हाउसफुल 3, बहुत सारी फिल्मों में मेकअप आर्टिस्ट वो रहे हैं। जादू चलाया अपने मेकअप का और इस फिल्म में भी उनको लुक देने के लिए प्रतिशील बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उन्होंने और ये लुक सामने भी दिखता है। अब तक बहुत सारे लुक शेयर किए गए है, लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने हाल ही में आज ही अनाउंस कर दिया है। उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कि उनके हाथ में कुल्हाड़ी नजर आ रही है, पूरे जंगल का सीन, अंधेरा सीन नजर आ रहा है, उनके साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, वो एक पेड़ पर बैठे हुए हैं और साथ ही अल्लू अर्जुन ने अनाउंस कर दिया है कि उनकी फिल्म पुष्पा कब रिलीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये जो पोस्टर है वो शेयर किया है और पीछे से आप देख सकते हैं और लोगों के हाथ में भी कुल्हाड़ी है। अल्लू अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं। काफी अमेजिंग है ये पोस्टर और साथ ही अल्लू अर्जुन ने इसे कैप्शन दिया है #पुष्पा लोडिंग इन थिएटर्स फ्रॉम 13th of August 2021, एक्साइटेड टू मीट यू ऑल इन सिनेमाज दिस ईयर। और
सिर्फ अल्लू अर्जुन ही नहीं, हम सब भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो फिर से वही मैजिक क्रिएट करेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें, पुष्पा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार, जो कि अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 में भी उन्हें डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन के अलावा आपको विजय सेतुपति, प्रकाश राज, जगपति बाबू जैसे कलाकार नजर आएंगे। और एक्ट्रेस की बात करें तो रश्मिका मंदाना एक बार फिर से जादू बिखेरने के लिए तैयार है। इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है। वहीं हरमन उथमन और वेनेला किशोर भी इस फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म लाल चंदन यानी कि सैंडलवुड जो लकड़ी होती है उसकी तस्करी पर आधारित है। फिल्म की पृष्ठभूमि सेशाचलम के जंगल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि अच्छी अच्छी लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी। और इसमें विजय सेतुपति और अल्लू अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं, यानी कि खतरनाक एक्शन, दमदार फाइट होने वाली है। तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है पुष्पा का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल पता ही चल गया है 13 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए जल्दी से लिख डालिए नीचे कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए वेलकम टू पॉलीक्रास्ट स्टूडियोज की एक और नई चटपटी वीडियो में। श्रिया अरोरा आपकी आज की होस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा के बारे में। पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट और लिखा सुकुमार ने है। सुकुमार एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर है जो कि प्रीडोमिनेंटली तेलुगु सिनेमा में ही काम करते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ राइटर की थी और उन्होंने मोहन और वीवी विनायक को भी असिस्ट किया है। सुकुमार ने अपना डायरेक्शनल डेब्यू 2004 में फिल्म आर्या के द्वारा किया था और ये फिल्म काफी सुपर हिट हुई थी, जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी। फिल्म में बतौर लीड एक्टर्स अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था। जगापति बाबू, प्रकाश राज, धनंजय, सुनील, गिरीश उठमन और वेनेला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे। आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा को प्रोड्यूस मैत्री मूवी मेकर्स इन एसोसिएशन विद मुत्तम शेट्टी मीडिया के तहत प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म पुष्पा का म्यूजिक देवी प्रसाद स्कोरिंग के तहत रिलीज किया गया था। फिल्म पुष्पा को 13 अगस्त 2021 को रिलीज करने का स्केड्यूल किया है। फिल्म को तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ वर्जन में डब किया जाने वाला है। जनवरी 2020 में पहले डायरेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था महेश बाबू के साथ, लेकिन महेश बाबू और डायरेक्टर सुकुमार के क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से महेश बाबू ने फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया और उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट सरीलेरू नेकेवारू फिल्म को साइन किया था, जिसे डायरेक्ट अनिल रवि पुरिस ने किया था। बाद में अल्लू अर्जुन ने प्रोजेक्ट साइन किया सुकुमार के साथ उनके फिल्म में एज अ लीड एक्टर काम करके। सुकुमार और अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा थर्ड कोलैबोरेशन है। साथ में सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन द रेड सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था। आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा को फॉर्मली लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2019 में। दिसंबर 2019 में डायरेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था केरला के एथीरैपिडली फॉल्स पर। फिल्म पुष्पा का फर्स्ट शेड्यूल केरला में ही शूट किया गया था। फिल्म को कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हॉल्ट कर दिया गया था। फिल्म की शूटिंग दोबारा स्टार्ट करी गई थी 10 नवंबर 2020 में। विजय सेतुपति बहुत चर्चा में थे द एंटागोनिस्ट प्ले करने के लिए और जनवरी 2020 में फिल्म का पार्ट बन गए। रश्मिका मंदाना को अप्रैल 2019 में एज अ लीड एक्टर कास्ट किया गया था और जगापति बेबी और प्रकाश राज को की रोल्स के करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था। आपको बता दें कि जुलाई 2020 में ऐसी खबर सामने आई कि विजय सेतुपति को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इश्यूज की वजह से। कन्नड़ा के फेमस एक्टर धनंजय को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था। नवंबर 2020 में जब फिल्म पुष्पा की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी तब सुनील को सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था। बस फिलहाल आज इस फिल्म के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीक्रास्ट स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ। आज की स्क्रिप्ट राइटर है रुशा।
इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूँ गिनता कम, गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। सर मैं ऐसा ही हूँ, भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता, और गुस्सा आता है तो बोल कर रखता। पुष्पा से करने वाली है रश्मिका मंदाना बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत? क्या साउथ की अगली कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड को रश्मिका मंदाना है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आपने ये तो अभी अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई फिल्में पैन इंडिया रिलीज यानी कि अपने ओरिजिनल भाषा के साथ साथ कई और भाषाओं में भी रिलीज होने वाली है। ये ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में SS राजामौली की फिल्म बाहुबली द बिगनिंग रिलीज हुई थी। बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वर्जन की प्रोडक्शन करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने किया था। उसके बाद बाहुबली स्टार प्रभास की पॉपुलैरिटी की वजह से उनकी फिल्म साहू को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिला। फिर उनकी आने वाली फिल्में राधे श्याम और आदि पुरुष और साथ में नाग अश्विन की फिल्म और सिद्धार्थ आनंद की फिल्में भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। उसके बाद फिल्म KGF चैप्टर 2 को भी एक बहुत धमाकेदार पैन इंडिया रिलीज मिला। इसी का दूसरा पार्ट 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है। साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस ने कई बार बॉलीवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है, जैसे कि श्रीदेवी, जया प्राडा, ऐश्वर्या राय, असिन, दीपिका पादुकोण, तापसी पन्नू जैसी कुछ अभिनेत्रियां अमाप सफलता पा चुकी हैं बॉलीवुड में। वही सिल्क स्मिथा, सौंदर्य, काजल अग्रवाल, त्रिशा कृष्णन जैसी अभिनेत्रियां ज्यादा कामयाबी नहीं हासिल कर पाई, हालांकि वो सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं। अभी अभी साउथ में विजय की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हो रही हैं और साथ ही साथ विजय के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना का भी। रश्मिका मंदाना को पिछले साल नेशनल क्रश का टाइटल मिला था। ये क्रश पहले दिशा पाटनी को भी मिला था। रश्मिका मंदाना एक के बाद एक बड़े बड़े हीरोज के साथ काम करके अपने करियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में अपने फिल्मी करियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती हैं। कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मूवीज के एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू ऑफर हुई थी। RSVP के सारे फिल्में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंत ही हाँ कह दिया था। इसमें उनके ऑपोजिट होंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, मगर हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर इतना स्मूथ नहीं जा रहा। हालांकि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके प्रयास ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे, तो इसलिए रश्मिका अपने बॉलीवुड डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के ऑपोजिट फिल्म ढूंढ रही थी। और इसी वक्त उनके कानों में अल्लू अर्जुन की एक फिल्म आई। अल्लू अर्जुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाहिश पूरी भी हो गई और तभी उन्होंने इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज करवाने का सुझाव भी दे दिया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अल्लू अर्जुन को इस बार सोनी मैक्स पर नहीं बल्कि थिएटर में भी हिंदी में हम सब देख सकते हैं, केवल रश्मिका की उस ख्वाहिश की वजह से। चलिए दोस्तों, साउथ फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित एक्टर है। उनके पिछले फिल्म अल्ला वैकुंठपुरम की धुआंधार सक्सेस ने उन्हें पूरी दुनिया में यानी कि पूरे देश में चर्चित कर दिया है। भले ही ये साउथ स्टार की फिल्म पैन इंडिया रिलीज नहीं थी, बावजूद इसके इस फिल्म की सक्सेस ने उन्हें पूरे देश में चर्चित कर दिया है। अब अल्लू अर्जुन अपनी अगली फिल्म पुष्पा को लेकर बिजी हैं, जो पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को मेकर्स हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में रिलीज कर रहे हैं। ऐसे में एक्टर को लेकर खबरों का बाजार लगातार गर्म है।
अब अल्लू अर्जुन से जुड़ी एक और दिलचस्प खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर उनके फैंस का क्रेज सातवें आसमान पर पहुंच जाने वाला है। दरअसल अल्लू अर्जुन ने हाल ही में KGF डायरेक्टर प्रशांत नील से मुलाकात की है। वो हैदराबाद में आज प्रशांत नील के दफ्तर के बाहर स्पॉट किए गए। यहाँ उन्हें देखने के लिए लंबी लाइन लगी थी। अल्लू अर्जुन ने वहाँ से निकलने के बाद हजारों फैंस को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अल्लू अर्जुन ने फैंस को इस तरह से उन पर प्यार बरसाने के लिए धन्यवाद भी कहा, जिसके बाद वो ऑफिस के अंदर चले गए। इसके बाद से खबरों का बाजार गर्म है कि अल्लू अर्जुन और प्रशांत नील की ये मुलाकात किसी आने वाले प्रोजेक्ट पर बात करने को लेकर है। इस खबर से अल्लू अर्जुन के फैंस में भारी क्रेज है। वेल, आपको बता दूं कि प्रशांत नील की KGF 2 बनकर तैयार है और जल्दी थिएटर में पहुंचने वाली है। इसके बाद वो प्रभास की आने वाली फिल्म सलार को पूरा करने की कोशिश में जुटे होंगे। फिल्म इन दिनों शूटिंग स्टेज पर है। क्या इसके बाद प्रशांत नील अल्लू अर्जुन संग अगली फिल्म की तैयारी करेंगे? इस सवाल का जवाब उम्मीद है कि जल्द मिलेगा।